वेरिलॉग को छोड़ के उसके बजाय आज हम रिव्यू का काम करेंगे, और क्योंकि आगे मिड्स आ रहे हैं, मिड्स में वेरिलॉग रखे ना रखे, ठीक है, फिर उसी दिन होगा जी। तो फिर अभी से तैयारी कर लेना ताकि उस दिन आप आराम से इंजॉय करें, ठीक है। ये मतलब ऑब्वियसली मैं अगर टाइम टेबल बना रहा था तो आइडियली मैं लदे दिन में ही रखता, लेकिन मे भी अगर टाइम टेबल बनाने वालों ने एक दिन में पुट किया तो उसकी वजह शायद होगी कि कोई और स्लॉट नहीं बन रही होगी, वरना नहीं करना था। तो फिर अब है तो है, कुछ कर नहीं सकते। तो उसका तरीका यही है कि अभी 3-4 दिन हैं मिड शुरू होने में, तो इनमें आप इन दोनों कोर्सेज को अच्छी तरह कवर कर लें। तो अगर आप इनको अच्छी तरह कवर कर लेंगे तो प्रॉबेबली फिर उस दिन आपको तैयारी काम करनी पड़ेगी, मे बी आप जस्ट रिव्यू कर लें थोड़ा सा 1-2 घंटे लगा के। अच्छा, सो फिर ऐसा करते हैं, वेरिलॉग वाला जो सेक्शन है ना वो मिड में इंक्लूडेड नहीं होगा, वो फाइनल में इंक्लूडेड होगा, ठीक है। और ऑब्वियसली उस पर प्रोजेक्ट आपका डिपेंड करा होगा, तो वो आपने सीखना तो है, ठीक है। सो उसको आप कवर करें। आज क्योंकि आखिरी क्लास है तो मैं जस्ट आगे फिर मिड आ जाएगा, तो मैं करना ये चाह रहा था कि कुछ आपको आइडिया दे दूँ इस चीज़ का कि किस किस्म के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इस तरह के ही आए, लेकिन उसका तरीका मतलब उसके लिए मैं ये कर लेता हूँ कि जो लास्ट ईयर का मिड था, जो लास्ट टाइम जब मैंने लॉजिक डिज़ाइन पढ़ाया था, तो हम उसको आज तकरीबन सॉल्व कर लेते, और मैं साथ साथ बताता जाऊंगा कि भाई क्या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए हर चैप्टर से, ठीक है। अच्छा, सो ये लास्ट टाइम का मिड है, ठीक है, और जो इस वक्त खुला हुआ, और बेसिकली अगर आप पैटर्न देखें तो ओवरऑल आपने 1.5 घंटे में 6 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, ठीक है। और इसके डिस्ट्रीब्यूशन है कि पहला वाला नंबर सिस्टम से आया है क्वेश्चन, दूसरा वाला के मैप्स का है, फिर अगला वाला जो है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट से है, और फिर आखिरी 3 जो क्वेश्चन है वो सिक्वेंशियल सर्किट्स के हैं तीनों, ठीक है। एक सिक्वेंशियल सर्किट एनालिसिस का है, एक स्टेट डायग्राम से लॉजिक बनानी है, और एक में आपने स्टेट डायग्राम ही बनानी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है एग्जैक्टली ये पैटर्न हो, क्योंकि इसमें मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा सिक्वेंशियल सर्किट से हैवी पार्ट आ रहा हो सकता है कि मैं इस सिक्वेंशियल सर्किट से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन दूं और फिर पीछे वाले से हैवी कर दूं इस दफ़ा, तो ये इट विल बी अप टू मी कि मैं क्या करता हूँ, लेकिन जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे दूँ कि इस तरीके से नॉर्मली मेरी कोशिश होती है कि कुछ क्वेश्चन हों जो कि ईजी हों, ताकि मुझे जज हो सके कि किस बंदे ने बिल्कुल ही मेहनत नहीं की कि वो इजी पार्ट्स भी नहीं कर सका, और फिर कुछ उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और फिर कुछ उससे डिफ़िकल्ट, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि मिड में थोड़े कम रूम होता है, टाइम भी कम होता है, तो उससे ज़्यादा फाइनल में ये पैटर्न ज़्यादा झलक रहा होता है, क्योंकि उसमें फिर आप फिर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हुज ए वाला बच्चा कौन सा है, बी वाला कौन सा, सी वाला। सो स्टार्ट हो जाते हैं ताकि हम साथ साथ इसको सॉल्व करते जाएं और साथ साथ करते जाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था ना ये नंबर सिस्टम से था, और नंबर सिस्टम्स में हमने कहा था कि हम किसी भी बेस से दूसरी बेस में लेके जा सकते हैं, बाइनरी से डेसिमल कर सकते हैं, डेसिमल से बाइनरी, और फिर एंड पे आके हमने 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर्स किए थे, ठीक है। तो ऑल्दो इसमें जो है वो ज़्यादा ये हैवी है बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी और 2's कॉम्प्लीमेंट वाले पार्ट में, लेकिन हो सकता है आप इस दफ़ा जो क्वेश्चन है उसमें मतलब मैं आपको किसी भी बेस से दूसरे में जाने वाला क्वेश्चन भी दे दूँ, ठीक। सो साथ साथ हम जो कॉमन गलतियाँ हैं ना वो फिगर आउट करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन 2's कॉम्प्लीमेंट बाइनरी नोटेशन, यूज 8-bit फॉर इंटीजर पार्ट एंड 8-bits फॉर डेसिमल पार्ट, ठीक है। सो आपने टोटल 16-bit का नंबर बनाना है जिसमें 8-bit जो है वो पॉइंट्स के राइट साइड में हो, 8-bit जो है वो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे हो, और ये असल में डेसिमल नंबर है जिसको आपने उस बाइनरी में लिखना है, ठीक है। सो अब क्वेश्चन में पहला जो है वो -63.375 है। सो अब आप बताएंगे मुझे क्या करना चाहिए इस जगह पर, ठीक है। मैं साथ साथ आप लोगों से पूछ रहा हूँ ताकि आप में से मुझे जिसका लगेगा उसको थोड़ी सी मसला है तो शायद उसी से पूछ रहा हूँ ताकि उसकी रिवीजन हो जाए और वो कंफर्टेबल हो जाए।
सबसे पहले बेस टू पे लेके जाना चाहिए। बेस टू के लिए क्या करना पड़ेगा, 63 को अलग करना पड़ेगा 0.375 को अलग, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, 63 को डिवाइड करना शुरू करेंगे। सो 63 को डिवाइड करना शुरू, 63 तो वैसे भी आपको पता होगा कि ये होगा ना। यस सर, किसको पता है किसको नहीं पता। 6 बिट में लिखे तो ये सारे वंस होंगे बेसिकली, अगर 2 की पावर में लिखे हो या उससे एक कम में, जिस तरह 64 हो, 2 बाइनरी का 10 होता है और मतलब 2, 4, 8, 16, 32, 64, तो 64 जो होना था वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 होना था, ठीक है। तो 63 आप इससे डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं कि इससे एक कम क्या होगा, कि ऑल वंस अगर होते हैं हमारे पास ये 9 ये 6 तो उसमें 1 ऐड करते हैं तो ये बन जाता, ठीक है। तो जिस तरह 99 के बाद 100 आता है, तो बाइनरी में ऑल वंस के बाद ना वो सारे जीरो हो जाते हैं और एक वन आ जाए। लेकिन मतलब अगर ये नहीं समझ आया तो एक्चुअली मैं ये एक शॉर्टकट है कि अगर आपको कभी भी कोई ना 2 की पावर डायरेक्टली आ जाए या 2 की पावर से कम आ जाए तो ये आप उसको भेज, जिस तरह आपको कह दे 511, सो 512 आपको पता है कि 2 की पावर है और 511 भी आपको पता है उससे एक कम है, तो यू कैन ऑलवेज देख सकते हैं कि भाई अगर ये 2^9 है, ठीक है, 2 इसका मतलब 9 जीरोस लगेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक वन लगेगा, ठीक है। और इससे एक कम है अगर, तो इसका मतलब है सिर्फ 9 वन आ जाएंगे, ठीक है। सो ये इस तरह कोई भी 2 की पावर हो तो उसमें आप हमेशा नंबर को इस पूरे टीडीएस प्रोसेस से गुजरे बगैर भी लिख सकते हैं। लेकिन मतलब अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप अगर इस तरह सॉल्व करेंगे तो साथ मेंशन कर देंगे कैसे किया, ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्ट आंसर को मार्क नहीं करूंगा, ठीक है। आपने जो रफ वर्क करना है वो उधर सामने करना है, ठीक है, क्योंकि आजकल कैलकुलेटर पे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मतलब इन क्वेश्चंस का मकसद है कि मैं आपकी कन्वर्जन देखूं, ठीक है। सो अगर आपने इस तरह किया जिस तरह मैंने आपको बताया, आप उसको लिखें कि एस टूरिस्ट पर 6 is 64 और वो इस तरह आ रहा है तो ये उससे कम है तो ये बन गया, तो मैं आपको फुल क्रेडिट दे दूंगा, ठीक है। एक और मेथड भी है, मैं उस पर आता हूँ। जो सबसे पहले तो वो मेथड कह लें जो सबसे कन्वीनियंट मेथड है जो सर उन्होंने, सो वो ये वाला है कि हम इसको डिवाइड करना शुरू कर दें। सो डिवाइड किया, किससे डिवाइड करेंगे, 31 से, एक बच गया, फिर 15 से किया, एक बच गया, फिर 7 से किया, एक बच गया, 3 से किया, एक बच गया, 1 से किया, एक बच गया, तो ये हमारे पास 6 वंस आ गए, ठीक है। 63 को अगर हम कन्वर्ट करें तो 6 वंस, और 0.375 को कैसे करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 0.75 आ गया, फिर क्या करेंगे 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई, 1.5 आ गया, फिर क्या करेंगे 1 को ड्रॉप करना है, ये ध्यान में रखिए, 0.5 को ये वाला जो डिजिट आ रहा है इसको ड्रॉप करते जाना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.0 आ गया, काम खत्म हो गया, ठीक। सो ये 0.11 बना, इसको टॉप डाउन पढ़ना है हमने, इसको हमने बॉटम अप पढ़ा था, इसको टॉप डाउन पढ़ना है, तो 0.011, ठीक, विच इज नॉट द आंसर बाय द वे, क्यों, क्योंकि ये तो अभी हमने सिंपल 63.375 को किया, हमारा क्वेश्चन था -63.375 को 2's कॉम्प्लीमेंट में लिखना है, 8 बिट इस तरफ 8 बिट इस तरफ, ठीक है। तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले इसकी बिट्स कंप्लीट करें, ठीक है। सो इसके इस तरफ भी जीरो लगा दें, 3 आ रहे हैं, 4, 5, 6, 7, 8 ये पूरे हो गए, 6 आ रहे हैं, 7, 8 ये पूरे हो गए। अब ये 16 बिट में 63.375 बन गया, लेकिन हमने -63.37, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। 2's कॉम्प्लीमेंट लेने के दो तरीके हैं, फ्लिप करके 1 ऐड कर दें या पहले 1 तक उसी तरह लिखें और बाकी बिट्स को फ्लिप कर दें, ठीक है। वो ज़्यादा कन्वीनियंट है कि हम अगर पहले 1 तक इसी तरह लिख दें और उसके बाद 1 को 0 बना दें, 0 को 1 बना दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सो दिस इज योर आंसर नाउ।
ठीक है, ये आपका 16 बिट के अंदर -63.375 बनेगा। सो यहां तक चीज क्लियर हो गए? ओके, सो ये चीज ध्यान में रखनी है। गलती, कॉमन गलती क्या करते हैं लोग, बाज का इसको एक्सटेंड करना भूल जाते हैं, उससे भी गलत बन जाएगा। पहले आपने बिट्स पूरी करनी है, ठीक है, जरूर, फिर उसके बाद टू कॉम्प्लीमेंट। दूसरी गलती ये करते हैं कि अगर मैं दूसरे तरीके से लेता, फ्लिप करके जो वन ऐड करना है ना, वो इधर ऐड करना है, वो ये नहीं कि पॉइंट के बाद वन ऐड करना शुरू कर दे, ठीक है, वो उसका ताल्लुक पॉइंट से नहीं है, ये एक कन्वर्जन है एक फॉर्मेट से दूसरे में। तो आपने हमेशा LSB जो आपकी सबसे छोटी बिट है ना, उधर से आपने वन ऐड, ठीक है। तो ये दो गलतियां कॉमनली लोग करते हैं। ओके, जी, टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म का मतलब ही ये है कि आप पॉजिटिव नंबर्स को उसी तरह स्टोर कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर्स अगर स्टोर करना है तो आप उसका पॉजिटिव इक्विवेलेंट पहले बना लेंगे और उसका टूज कॉम्प्लीमेंट जो भी आएगा वो आपका नेगेटिव नंबर। फॉर एग्जांपल, इससे अगला क्वेश्चन है 97.75, इस केस में क्या करेंगे? सो ये आपका क्वेश्चन, इसमें आंसर हो जाए, इसमें क्या करना चाहिए हमें, अगेन वही वाला स्टेप, 97 को 2 से डिवाइड करना शुरू करें। किससे डिवाइड करूंगा? 48 × 2 96, 1 बच गया। ये किस क्या किया, 2 24, ठीक है, 0 बच गया। 12, 0 बच गया। 6, 0 बच गया। 3, 0 बच गया। 1 बच गया। ये आपका नीचे बॉटम, अब हमने रीड किया 1 1 4 0 1 1 1 4 0 और 1, ठीक है। 0.75 को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें, 1.5 और 0.5 × 2 इज इक्वल टू 110, सो ये 0.11 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, पहले बिट्स पूरी करनी है। बिट्स पूरी करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 इधर 1 आ गई और इधर 6 0 आ गए, ठीक है। सो आप क्या करें, हमें कहा गया 16 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखना है, तो ये ही आंसर है, बिकॉज पॉजिटिव नंबर को ऑलरेडी टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म यही कहती है कि पॉजिटिव नंबर जो बाइनरी में आ रहा है बस लिख दें, ठीक है। तो लिखा गया, तो ये लिखा गया, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जनरली मैं साथ साथ कॉमन मिस्टेक्स बताता रहूंगा, लेकिन मेरा वैसे माजी में यही तजर्बा रहा है कि मैं बता भी देता हूँ और उसके बावजूद भी लोग कर लेते हैं। सो ये कॉमन मिस्टेक एक है कि लोग यहाँ जो जब मैं पेपर चेक कर रहा था, कुछ ने यहाँ तक सही सॉल्व किया होता है, उसके साथ लिख देते हैं आंसर और उसके बाद लिख देते हैं नाउ टेकिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और वो जो आता है उसके आगे भी आंसर लिख के ये, सो उसको मैं सिंपल क्रॉस कर दूंगा, ठीक है। दैट मीन्स यू डोंट अंडरस्टैंड के टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म का क्या मतलब है। टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म का मतलब ही ये है कि अगर पॉजिटिव नंबर है तो आपने उसको उसी तरह लिखना है, और अगर नेगेटिव नंबर है तो उसको टूज कॉम्प्लीमेंट लेकर, ठीक। ओके, सो ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन इसके ऑपोजिट है कि आपको बताया हुआ है कि ये जो फॉलोइंग नंबर्स हैं ये बाइनरी में टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखे हुए हैं, सो इनको डेसिमल में कन्वर्ट करें, ठीक है। सो डेसिमल में कन्वर्ट करना है 10110.110, ठीक है। कैसे करें? पावर लेकर करेंगे। सबसे पहले जब आपको टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखा हुआ हो कोई नंबर, आपने सबसे पहले उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि ये नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। डायरेक्टली पावर लेना नहीं शुरू करना, ठीक है। सो पहले ये बताएं कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है। सो इसको डायरेक्टली पावर लेंगे तो हमारे पास ठीक रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। सो नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब है कि जिस तरह भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि अगर नेगेटिव नंबर था तो हमने पहले पॉजिटिव लिया, उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लिया, तो ये उस तरह से बना हुआ है, ठीक है। सो फिर इसके पीछे असल में वो पॉजिटिव नंबर क्या था, उसके लिए हम दोबारा टूज कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, क्योंकि टूज कॉम्प्लीमेंट दो दफा लें तो सेम चीज वापस आ जाती है, ठीक है। तो जो एक्चुअल में पॉजिटिव नंबर था जिसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेकर ये बना था,
इसका दोबारा डोज कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वही पॉजिटिव नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो ऐसे केस में सबसे पहले अगर नेगेटिव नंबर है तो सबसे पहले हमने इसका डोज कॉम्प्लीमेंट लेना है। सो इसका सबसे पहले मैंने डोज कॉम्प्लीमेंट लिया 0 1, उसी तरह पहले वन तक उसी तरह रहने दें, ठीक है। उसके बाद वालों को फ्लिप कर दें, 0 है तो 1 कर दें, 1 है तो 0 कर दें, ठीक है। 0 1 0 0 1 0, ठीक है। ये आपके पास आ गया पॉजिटिव में, जो इसका एक्चुअल पॉजिटिव नंबर था जिससे जनरेट था, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल में, ठीक है। सो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। 1 × 2⁻⁰ प्लस 0 × 2⁻⁰ प्लस 0 × 2⁻⁰ प्लस 0 × 2⁻⁰ 1 × 2⁻⁰ 3। इसको अगर हम देख लें तो हम जीरो वाला लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो जीरो हो जाते हैं। सो हम इसको सिंपली ये भी कह सकते हैं कि 1 × 2⁻⁰ प्लस 1 × 2⁻³। और उस साइड पे जाएं तो हम कह सकते हैं 1 × 2⁻²-2, ये 2⁻⁰-1 था, ये 2⁻⁰-2 था, ठीक है। सो 2⁻⁰-2, सो ये तो वैसे जीरो है। सो ये आपके पास 8 + 1 + 1/4, ठीक है। 2⁻⁻²² इज 1/4, सो ये 9.25, ठीक है। 1/4 0.25 बनता है, ठीक है। मैं बताता हूँ, वो भी बताता हूँ, याद एक चीज समझ आ गई। अच्छा, ये आंसर नहीं है क्योंकि ये तो वो पॉजिटिव नंबर था, ठीक है। असल नंबर क्या था, नेगेटिव नंबर, इसके साथ आप इधर माइनस लगाएंगे, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट दैट, ठीक है। असल में हम एक नेगेटिव नंबर था जिसका डोज कॉम्प्लीमेंट लिया, पॉजिटिव बनाया, उसका मैग्नीट्यूड निकाला क्या बनता है, और फिर दोबारा माइनस पुट करेंगे क्योंकि ओरिजिनल नंबर नेगेटिव था। इस बिट से एमएसबी अगर 1 है तो नेगेटिव है, एमएसबी अगर 0 है तो पॉजिटिव है, अगर डोज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखे हुए, ठीक। सो यहां तक चीज क्लियर हो गई। अच्छा, ऑब्वियसली आप अगर इस तरह करें, या इसका शॉर्ट फॉर्म बाइनरी के केस में ये है कि ये जो पहली बिट होती है ये 1 के बराबर होती है, ये 2 के बराबर होती है, 4 के बराबर होती है, ये 8 के बराबर होती है, ये 16 के बराबर, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली 1 + 8 इधर से भी लिख सकते थे, मुझे उस पर कोई मसला नहीं है, मैं उसको ठीक ग्रेड कर। इसी तरह जो इस तरफ आते हैं, ये 1/2 होती है, ये 1/4 होती है, ये 1/8 होती है, या अगर मैं पॉइंट्स में लिखना चाहूं तो ये 0.5 होती है, ये 0.25 होती है, ये 0.125 होती है, और फिर उससे पीछे 0.065 हो जाती है, ठीक। सो आप अगर डायरेक्टली इसको 0.25 लिख देते तो मुझे उस पर कोई इतराज नहीं था, तो ये सीधा सीधा आपके पास 9.25 बन जाना था, ठीक है। सो वो जिस तरीके से भी करेंगे मुझे उसमें मसला नहीं होगा। जस्ट अवॉइड दिस थिंग कि आपने डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, ठीक है। अगर इस तरह किया है तो जस्ट राइट इट डाउन, ठीक है, कि 8 + 1 + 0.25 आपने लिख दिया, मुझे समझ आ जाएगी कि यू अंडरस्टैंड इट। लेकिन अगर आपने सीधा सीधा लिख दिया 9.25, तब मुझे डाउट होगा कि यार ये कैलकुलेटर से तो नहीं निकाला हुआ, तो फिर मैं मार्क्स नहीं दूंगा। सो अगला क्वेश्चन है 011.001। इस केस में क्या करना है, इधर सबसे पहले चीज है बिट देखिए, एमएसबी 0 है, इसका मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब है पॉजिटिव है तो इसी तरह ही नंबर है, ठीक है। सो पॉजिटिव है तो ये आपके पास बन गया। मैं दूसरे तरीके से कर लेता हूं, ये बन जाएगा, ये आपके पास 1 था, ये 2 था, ये 4 था, ये 8 था, तो ये बन गया 8 + 4 + 1 + ये आपके पास बना ये 0.5 0.25 0.125, ठीक है। सो सिंपल 0.125, सो ये आपके पास 13.125 बन गया, ठीक है। सो ठीक है, इजी पिकिंग्स, ठीक है। जिस तरह क्रिकेट खेलते हुए ना, वो सिंगल डबल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, उस तरह डीएलडी का पेपर देते हुए ये जो इजी पिकिंग्स है ना, कि जो सीधे सीधे सवाल हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कि जस्ट क्विकली इसको फौरन फौरन नंबर लें और आगे जाएं, ठीक है। पेपर को जस्ट इधर में, पेपर में ना 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें पेपर देते हुए। लोग कई दफ़ा ना, उनकी जनरली वैसे मेरा जो मेथड होता है वो ये होता है कि मैं पहले 5 मिनट लेता हूँ, पूरा पेपर पढ़ता हूँ, ठीक है, और उसके बाद एक कह लेंगे एक छोटा सा रफ सा स्केड्यूल बना लेता हूँ अपने पास, लिख के नहीं जेन में, कि मैंने किस किस तरह से करना है। उन क्वेश्चंस को मैं मार्क कर लेता हूँ जो मुझे पता है कि ये तो मुझे आते हैं, ठीक है।
और जो मुझे नहीं आते वो एंड के लिए छोड़ दिए, ठीक है, और उसके लिए टाइम का एस्टिमेट कोई छोड़ दिया कि इतनी देर में मैंने ये जो आते वाले क्वेश्चन है ना ये करने। उनमें भी जो सबसे छोटे क्वेश्चन है ना वो सबसे पहले कर लें, ठीक है, क्योंकि वो ईजी पिकिंग्स हैं कि फ़ौरन फ़ौरन किए और फ़ौरन फ़ौरन नंबर आपके पक्के होते गए, ठीक है, वो मिस नहीं होने चाहिए आपके पक्के। जब वो हो गए छोटे तो उससे बड़ा थोड़ी देर में आपके वो जो आपको आते थे वो ख़त्म हो जाएंगे और अब बाकी का टाइम आपका है और वो वाले सवाल हैं जो कि आपको फर्स्ट गो में लगा था कि आपको नहीं आते, आपने इस पर सोचना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं आते इसका ये मतलब नहीं है आपको नहीं आते, ठीक है, आप थोड़ा सा सोचेंगे आप उसके सोल्यूशन तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। जो चीज़ आपने एक दूसरी चीज़ जो आपने अवॉइड करनी है कि क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मार्कर पेंसिलें बॉल पॉइंट जो मर्जी यूज़ कर रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपने अगर मार्कर से पहले क्वेश्चन लिखा है और फिर बॉल पॉइंट से सॉल्व कर रहे हैं और फिर पेंसिल से तस्वीर बना रहे हैं, या आपने सिर्फ बॉल पॉइंट से उसका सिर्फ आंसर लिखा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आंसर ठीक होने या ना होने, यानी कि सोल्यूशन ठीक है या नहीं, उसके मार्क्स हैं, ठीक है। सो इसलिए क्वेश्चन ना लिखें कभी भी, ठीक है। मैं जब चेक करूंगा मेरे पास क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है, आपने लिखना है आंसर नंबर वन, आंसर नंबर वन ए, वन बी, वन सी, अगर उसका पार्ट है सिंपल ये लिखें और सॉल्व करना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये मतलब गैर जरूरी चीज़ों में टाइम ज़ाया ना करें, ठीक है, और थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि मतलब आप थोड़ा सा सोचेंगे ना तो वो वाले प्रॉब्लम जो नहीं भी आते थे वो मतलब इवन इफ आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता तो स्टिल किसी ने कभी लॉजिक डिजाइन इजाद की थी और उसने भी तो सोचा ही था ना, तो आप हो सकता है कि उस वक्त सोचें तो यू अंडर प्रेशर कई दफा आप वो वाले काम कर जाते हैं जो कि आपने पहले नहीं किए होते, लेकिन आप उसके लिए थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होके और फिर थोड़ी सी जान मारनी पड़ती है। तो ये पेपर में थोड़ा गैर जरूरी इससे टाइम इसी चीज में जाया नहीं करना, 1.5 घंटा बड़ा प्रेशियस होता है, उसमें कोई टाइम जाया किए बगैर वो सारे सॉल्व, ठीक। ओके, आखिरी क्वेश्चन है कि आप ऑक्टल हेक्साडेसिमल में गिवन है ऑक्टल में कन्वर्ट करें, ठीक है। सो आपको एक नंबर गिवन है AF5.3E और कहा गया कि इसको ये हेक्साडेसिमल में इसको ऑक्टल ऑक्टल में कन्वर्ट करें। इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तरीका हो सकता है कि हम इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लें और फिर ऑक्टल में कन्वर्ट कर लें, और एक दूसरा हो सकता है कि पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लें फिर ऑक्टल में कर लें। जो डेसिमल वाला है वो ज़्यादा लंबा तरीका है, ठीक है, सो बेहतर है कि आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें, ठीक है। मैं दोनों को ग्रेड कर दूंगा और डेसिमल वाले में गलती होने का चांस भी ज़्यादा होता है थोड़ा सा, ठीक। इस बाइनरी को हेक्साडेसिमल और ऑक्टल में कन्वर्ट करना या वाइस वर्सा बहुत आसान होता है, ठीक है। सो अगर मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, हर डिजिट जो आ रहा है वो चार बाइनरी नंबर्स बन जाते हैं, ठीक है। सो चार बिट का बनाना ये पहले जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर ही डॉट लगा दिया, थ्री जो है वो वैसे तो 1-1 होता है लेकिन मुझे इसे चार बिट पूरी करनी है, सो मैं इसको आगे 0-0 लगा, ठीक है। ई है 14 होता है, 15 1111 होता है, तो 14 1110 होता है, ठीक है। ये आपको अगर याद नहीं है, मतलब चलो जो काफी पॉसिबल है कि काफी सारे लोगों को याद नहीं होगा कि ई क्या होता है और एफ क्या होता है, तो आप पहले 2 मिनट लगाकर एक साइड पर टेबल बना दें, ठीक है। टेबल बनाना बड़ा आसान होता है, 0101 0101 पहली दफा लिखते जाएं, दूसरी दफा 0011 0011 दो दो बिट्स का, फिर अगली दफा चार चार बिट्स का और उसके बाद 8 बिट्स, ठीक है। तो ये पूरा टेबल बन जाएगा। इधर आप गिनती लिख दें 0 1 2 3 9 के बाद ABCD लिख दें, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, एक रेफरेंस मिल जाएगा कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, डी कौन सा है, ठीक है, पूरे पेपर में काम आएगा, ठीक, कहीं और भी चाहिए हुआ तो अगर, सो वहां से आपको पता चल जाएगा ये ई ए बनता है, ठीक है। 5 जो है वो हमें पता है 101 होता है, सो हमने इसकी 4 बिट्स पूरी कर दी। एफ हमें पता है 1111 होता है, ए हमें पता है कि 1010 होता है, अगर आप उस टेबल में से देख लेंगे। सो ये हमारे पास बाइनरी में कन्वर्ट हो गया है नंबर, लेकिन हमारा क्वेश्चन बाइनरी में कन्वर्ट करने का नहीं था, ऑक्टल में कन्वर्ट करने का था। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ऑक्टल के लिए आपको इसको 3-3 के ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं, लेकिन कॉमन गलती क्या है वो ये है कि ग्रुप्स कहां से बनाने हैं ग्रुप्स, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, ना लेफ्ट से ना राइट से, जहां पॉइंट लगा हुआ है उससे शुरू करें, ठीक है। सो अगर पॉइंट नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब है यहां से राइट से शुरू कर दें, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इसका मतलब है कि राइट उसके आगे पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। सो पॉइंट के लेफ्ट में भी 3-3 के ग्रुप बना दें, 3-3
तीन और इस तरफ भी तीन तीन के ग्रुप बना, ठीक है। सो आखिरी वाला हमारा तीन का नहीं बना, दो का बना है। तो ऐसे कि इसमें क्या करें, इससे आगे जीरो लगा दें। किसी भी नंबर में आपको 99 रुपये किसी ने दिए हैं, तो अगर वो 0099 भी दे दे तो वो 99 रहेंगे, और 99.00 भी दे दे तो वो भी 99 रहेंगे। तो आप पॉइंट के आगे भी जीरो लगा सकते हैं और लेफ्ट साइड पे भी जीरो लगा सकते हैं, डजंट चेंज द नंबर, ठीक है। तो इसलिए हम उसके ऊपर जीरोस लगा रहे हैं, ओके। और अब इनको आप सीधा सीधा वही वाला टेबल जो था, जो हेक्साडेसिमल के लिए बना था, उसकी पहली वाली 8 वैल्यूज जो है ना, अगर उसकी एक बिट को इग्नोर कर दो तो वो ऑक्टल के लिए चल जाता है, ठीक है। सो ये आपके पास आ गया 1, ये आपके पास आ गया 7, ये आपके पास आ गया 4, ये आपके पास आ गया 5, ये आपके पास बन गया 6, ये आपके पास बन गया 3, और ये आपके पास बन गया 5। सो 5635.174, ठीक है। सो 174, ठीक है। सो ये हमारा इसका आंसर बन गया, ठीक। सो यहां तक चीज समझ आ गई, ठीक है। तो ये एक तरह का, अब जरूरी नहीं है कि इस दफा के मिड में क्या है, हो सकता है मैं आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दूं, मे बी 135 जो है वो बेस 7 में है, इसको बेस 8 में कन्वर्ट करें, ठीक है। सो इस केस में क्या करेंगे, हाँ, पहले हम इसको बाइनरी में ना कन्वर्ट करें, डेसिमल में कन्वर्ट। ऐसे केस में बाइनरी वाली जो ऑप्शन है ना, वो उसके लिए है, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल के लिए, ठीक है। हेक्साडेसिमल और ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना इजी है, ठीक है, क्योंकि हमने सिंपल हर डिजिट जो है ना वो कुछ नंबर ऑफ बिट्स में बन जाता है। अगर आप इसको पहले डेसिमल में लेके जाते हैं और बाद में इस पर लेके आते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगना था, ठीक है। लेकिन इसमें आपको 5 मिनट लगे हैं और ये इजी पिकिंग्स कहते हैं कि आपने रन्स जो है ना दो दो मिनट में ना ये दो दो नंबर आपने लिए, और हो सकता है कि पहले 10 मिनट में पहला क्वेश्चन सॉल्व करके आप पा रहे हो गए, ठीक है, और वो आपके 10 नंबर पक्के हो गए, ठीक है। अब आगे मूव करना शुरू करें। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है, मतलब अभी मैंने पॉइंट नहीं लगाया क्योंकि इसमें पॉइंट भी लग सकता है। सो लेट्स से कि मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दे देता हूँ जिसमें किसी भी बेस से किसी बेस में कन्वर्ट करना है। सो उस केस में क्या करेंगे, पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और बाद में, ठीक है, अगर ऑक्टल से हेक्साडेसिमल वगैरह है तो उसमें बाइनरी अच्छा रहेगा, लेकिन बाकी जितने भी नंबर की बेसिस हैं उनमें ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करें और फिर डेसिमल से दूसरे नंबर बेस में। सो 135 को अगर मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करें, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये पहली गलती जो इसमें कॉमन गलतियां क्या है कि कोई बंदा जी शुरू हो जाए 135 को 10 से डिवाइड करना शुरू हो जाए, या बाज लोग 8 से डिवाइड करना शुरू हो जाते, नहीं, डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लीकेशन यूज होगी, यानी कि 5 × 7⁻⁰ प्लस 3 × 7⁻⁰ प्लस 1 × 7⁻² ठीक है। सो ये किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में आने का तरीका है कि आप पहली बिट को बेस रेस्ट पर 0 से मल्टीप्लाई करें, दूसरी बिट को बेस रेस्ट पर 1 से करें, तीसरी। अभी थोड़ी देर पहले हमने बाइनरी में यही काम किया है कि बाइनरी नंबर था, हमने 2⁻⁰, 2⁻⁰, 2⁻⁰ से मल्टीप्लाई किया। इस केस में हम डिफरेंट बेस के साथ करें, 7 बेस है तो उसके साथ करें, ठीक। सो ये बन जाएगा 5 × 7⁻⁰ हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 प्लस ये 7 है, 7 × 3 21 प्लस 7² 49 और यहां तक आ गया, ठीक है। सो ये क्या बन गया, आप 75 बन गया, 49 50 और 60 70 और 5, ठीक है। सो ये 75 बन गया बेस 10 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको कैसे बेस 8 में लेके जाए, ठीक है। सो अगर किसी बेस से डेसिमल में लेकर आना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर डेसिमल से किसी और बेस में जाना हो तो हम डिवाइड करते हैं। सो हमने 75 को डिवाइड करना शुरू कर दिया विद 8, ठीक है, और इस तरह से सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये आगे आपको सॉल्व करना आता है कि 9 × 72 करके जो भी बाकी बचा और करते करते और बॉटम अप हम उसको पढ़ लेंगे, ठीक। जी, फिर इसके बाद वो फिर 7 अगर इधर होता है, लेट से 0.4,
ठीक है, तो ये प्लस 4 इंटू 7 एस पावर माइनस 1 हो जाता, ठीक है, तो ये पॉइंट्स पे नंबर आ जाता, ठीक है, और अगर उसके आगे होता तो वो फर्दर माइनस 2 माइनस 3 होता जाता, ठीक है, सो से पॉइंट में पार्ट आ जाता, उस पॉइंट वाले को जब आपने 8 में लेके जाना था तो मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और भी हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आप पॉइंट में मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं, वो 1 से ऊपर जा ही नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि वो आप MSP ड्रॉप कर देते हैं, तो उसमें पहली चीज है कि अगर तो रिपीट होना शुरू हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो उसके आगे रिपीट ही होता रहेगा, तो आप वो एक दो रिपीटेशन लिख के आगे डॉट 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 डाल दें तो मुझे समझ आ जाएगी। और अगर कोई ऐसा लीचड़ किस्म का क्वेश्चन आ गया जो कि रिपीट भी नहीं हो रहा काफी देर तक, ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली तो रिपीट होगा, ठीक है, जब भी आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं इवेंचुअली वो रिपीट हो जाएगा, लेकिन अगर वो रिपीट काफी देर तक नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा टाइम उस पर ना लगे। मेरी कोशिश होगी ऐसा क्वेश्चन हो ही ना, मैं बनाऊ ही ना जिसमें ये बहुत ज्यादा लंबा अरसा लगता हो रिपीट का, लेकिन जस्ट इन केस आ गया अगर, तो आप उसमें क्या करेंगे, 3-4 प्लेसेस तक उसको लेके जाए डेसिमल में, डेसिमल पॉइंट के पीछे, उसके बाद आप बाकी का पेपर सॉल्व करना शुरू कर दें, ठीक है। अगर एंड पे जाकर टाइम बचा तो उसको फर्दर ट्राई करके देख लें कि रिपीटेशन तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, अगर नहीं बचा तो बस ठीक है, ठीक है। सो अगर वो इस किस्म का हुआ कि वो बहुत ज्यादा रिपीट होता है तो प्रॉब्ली 3-4 प्लेसेस तक मैं आपको क्रेडिट दे दूंगा उसका, ठीक, क्योंकि वो उसकी रीजनेबल सी अप्रोक्सीमेशन बन जाती है, ठीक है। ओके, सो नंबर सिस्टम से तो मैंने आपको बता दिया किस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, सो कुछ बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी इस किस्म के आ सकते हैं, कुछ दूसरी बेसिस से कन्वर्ट करने का मैंने एक ऑक्टल से हेक्सा भी बिल्कुल इसी तरह, ऑक्टल से हेक्सा जो है उसमें आप पहले ऑक्टल से बाइनरी में आ जाए तो उसमें आप शुरू में 3-3 के ग्रुप बनाएंगे, मतलब ग्रुप के नहीं बनाएंगे बल्कि आप हर डिजिट को 3-3 बिट में लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ऑक्टल में लिखा हुआ ना 63.2 तो अब आप 3 को 3 बिट में लिखेंगे 4 के बजाय, 2 को 3 बिट में लिखेंगे, 6 को 3 बिट में लिखेंगे, तो 3-3 के आपके पास बन गए। जब ये बन गए तो अब आप इसके 4-4 के ग्रुप बना दें, ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर दें, ठीक है। सो जो भी ये बनता है 3.4, ठीक है, सो 33.4 बन गए, ठीक। सो मोर और लेस ये कवर हो गया, ठीक है। आप कोई और नॉवल तरीका सोच रहे हो तो वो भी चल सकता है अगर वो ठीक हो, जिस तरह मैंने अभी आपको 135 बेस 7 को बेस 8 में कन्वर्ट करने का, तो मैंने आपको एक और इंडिकेशन भी दी थी कि इस 135 का मतलब है कि 5 जो है चॉकलेट बार्स वो डायरेक्ट हैं, और ये 3 का मतलब है कि 7-7 के 3 सेट हैं, ठीक है, और 1 का मतलब है कि 7x7 के आपके एक सेट है, और अगर आप इसको रीअरेंज बेस 8 में कर देते हैं कि 8-8 के सेट बना देते हैं किसी तरह कि अच्छा ये वाले उठा के इधर लगा दूं, ये वाले उठा के इधर लगा दूं, और उससे आपके पास नंबर आ जाता है तो वो भी ठीक है, ठीक है। लेकिन मतलब इजी तरीका ये है जो मैंने पहले आपको बता दिया है, हो सकता है बास केस में ये इजी हो, और अगर आप इस तरह से मुझे कर देंगे तो आई विल स्टिल गिव यू क्रेडिट, ठीक है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इसमें भी ठीक है, ठीक, लेकिन इस केस में शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, यानी कि 49 अगर बन रहा है तो इसके आगे अगर मैं एक रो इधर लगा दूं और एक रो इधर लगा दूं तो ये 8x8 का बन जाएगा ना। सो आप अगर बाकियों में से फिगर आउट कर सकते हैं कि 21 में से कितने इधर यूज होंगे और बाकी कितने बचेंगे, तो आप बता सकते हैं कि 8 वाले 10 डिजिट में कितने आएंगे और बाकी डिजिट्स में, तो वो भी आपको चल सकता है, ठीक है। ओके, सो ये था आपके जो नंबर सिस्टम्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि कौन जो क्वेश्चन आपके अगले इस वाले पेपर में बूलियन अलजेब्रा वाले सेक्शन से कोई नहीं आया हुआ था, ठीक है। सो क्योंकि मुझे लग रहा था कि फिर जो कंटेंट कवर हुआ हुआ वो सारे का सारा में से अगर मैं दे देता तो फिर 1.5 घंटे में पेपर सॉल्व नहीं होना था, ठीक है। लेकिन अब बूलियन अलजेब्रा वाले में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि मैं आपको कोई एक्सप्रेशन दे दूं और मैं उसको कहूं कि इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करें बूलियन आइडेंटिटीज यूज करते हुए, या मैं आपको कोई एक्सप्रेशन दे दूं और उसको मैं कहूं स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में ले जाए, या स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में ले जाए, ठीक है। या हो सकता है कि मैं आपको एक एक्सप्रेशन दे दूं और मैं कहूं उसका ट्रुथ टेबल बनाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि यार ये ए बी बार प्लस सी बार डी है, इसका मुझे ट्रुथ टेबल बताएं, ठीक है। सो आपको पता है कि ये 4 वेरिएबल के हैं तो आपके पास 4 वेरिएबल के कॉम्बिनेशन बनेंगे। एक तरीका है कि आप 0000001 पुट करते जाएं तो वो आपके 15-20 मिनट उसमें लगेंगे। दूसरा आसान तरीका क्या है कि आप इसको स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में ले जाए,
ठीक है, कि इसमें क्या मिसिंग है, सी प्लस सी बार से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डी प्लस डी बार से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ए प्लस ए बार से करते हैं, उससे आपको सारी मिन टर्म्स समझ आ जाएंगी और उन मिन टर्म्स को की जगह पर आप वंस लगा दें, ठीक है, या प्रोडक्ट ऑफ सम में ले जाएं और मैक्स टर्म्स निकाल लें और उन मैक्स टर्म्स की जगह जीरो लगा दें, बाकी जगह वन लगा। तो ये इस किस्म के क्वेश्चन बूलियन अलजेब्रा वाले सेक्शन से आ सकते हैं, ठीक है। जी जी, असाइनमेंट में नहीं हो रहा था उसको, हम ये देख लेते हैं कि अगर ये कंप्लीट करने के बाद टाइम बचा ना तो हम वो असाइनमेंट खोल लेंगे, ठीक है, और वो वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर। ओके, नेक्स्ट है के मैप्स का क्वेश्चन, ठीक है। अगेन मैंने थोड़ी सी कोशिश ये की होती है पेपर में, मतलब ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता था कि अगर मैं आपको एक प्रॉब्लम दे दूं, उस प्रॉब्लम से आप ट्रुथ टेबल तक पहुंचे और ट्रुथ टेबल से आप कार्नोफ मैप बनाए, लेकिन उसमें बास का मसला ये हो जाता है कि प्रॉब्लम से टेबल तक ही लोग गलत पहुंचते हैं और हो सकता है उन्हें कार्नोफ मैप सॉल्व करना आता हो अगर गिवन हो, तो मैं इसलिए उसके क्वेश्चन अमूमन अलहदा बना देता हूँ कि ठीक है एक क्वेश्चन है जिसमें आपको के मैप गिवन है और जैसे आपने सॉल्व करना है, और एक और शायद मैं भी क्वेश्चन बना दूं जिसमें आपने ट्रुथ टेबल तक पहुंचे, तो जहां पर मैं तोड़ सकूं वहां पर मैं तोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें मैं प्रॉब्लम दूं और उससे आपने ट्रुथ टेबल और कार्नोफ मैप तक। इधर आपको कार्नोफ मैप बना हुआ गिवन है, हो सकता है कि मैं इस दफा जो क्वेश्चन दूं उसमें इस तरह ना दूं, मैं आपको यूं बता दूं कि समेशन ऑफ मिन टर्म्स जो है ना वो 0, 1, 5 और 7 पे जी 1 है, और प्लस मैं बता दूं कि डोंट केयर जो है ना वो आपके लेट से 2 और 3 पे डोंट केयर है, ठीक है। तो यू शुड बी एबल टू नो कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपने जो के मैप बनाना है उसमें उसमें एम जीरो एम वन कहां पर आता है, एम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, क्योंकि 1, 1 हम पहले लिख देते हैं तो ये इस तरीके से प्लेस हो जाते हैं, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो अगर वो आपको पता होंगे तो आप सही सही जगह पर 1 प्लेस कर देंगे, या मैक्स टर्म दी हुई हो तो 0 प्लेस कर देंगे सही सही जगह पर, तो ये आपको आना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि मैं कारण ऑफ मैप बना के देने के बजाय इस फॉर्म में आपको दे दूं, ठीक है। तो वो आपको फिल करना आना चाहिए, ठीक है, और फिर उसके बाद वो सॉल्व करना आना चाहिए। लेकिन लेट्स से कि ये वाला कारण ऑफ मैप जो आया है इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिलहाल ये वाला नहीं है, ये मैंने आपको इधर जो दिया है वो अब मैं बना रहा हूं, ठीक है। और 0, 1, 1, 0 ये हमने वैसे काफी दफा सॉल्व किए हुए हैं, लेकिन इस दफा आप लोग जरा सॉल्व करवाएंगे। अच्छा, दूसरा एक चीज छोटी पहले सॉल्व करने से पहले कि क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से पढ़ा करें, ठीक है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जिस तरह से लिखा हुआ है मिनिमल प्रोडक्ट ऑफ सम और मिनिमल सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। सो बाद लोग मिनिमल और स्टैंडर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जब आपको कहा हो कि स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म लिखें, इसका मतलब है वो आपने मिन टर्म्स की तरह फॉर्म में और मैक्स टर्म्स की फॉर्म में निकालनी, ठीक है, जो ट्रुथ टेबल के लिए चाहिए होती है आपको, कि आप पूरे का पूरा निकाल लें कौन कौन सी मिन टर्म्स पे वन आएगा, ठीक है। अगर आपको कहा हुआ है मिनिमल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, तो इसका मतलब है कि आप कार्नोफ मैप को सॉल्व करें और मिनिमम सर्किट इससे जो बन सकता है वो निकाल के दे दें मुझे, ठीक है। और सॉल्व करने के लिए भी इधर आपको दो चीजें कही हुई है कि मिनिमल सम ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज मिनिमल प्रोडक्ट ऑफ सम्स। तो इसका मतलब है इस कार्नोफ मैप को आपने दो दफा सॉल्व करना है, एक दफा सम ऑफ प्रोडक्ट से सॉल्व करना है, एक दफा प्रोडक्ट ऑफ सम से सॉल्व करना है। तो ये ना हो कि एक दफा सॉल्व करके आप बस कहेंगे जी ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सो वो क्वेश्चन ठीक पड़ा होगा तो आपको पता होगा कि 5 मार्क्स एक के हैं, 5 मार्क्स दूसरे के हैं, तो वो पूरे पूरे मार्क्स फिर आप ले सके। अच्छा, इसको आप लेट्स से सम ऑफ प्रोडक्ट से सॉल्व करना चाहते हैं तो सर्कल्स कैसे लगाएंगे, पहले वंस को सॉल्व लगाएंगे पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि सर्कल लगाने में जो कॉमन गलती होती है ना वो होती है कि अक्सर आप टेम्प्ट होते हैं कि आपको सामने एक बड़ा सर्कल बनता नजर आ रहा हो ना तो उसको लगा दो, ऐसा नहीं करना, ठीक है, क्योंकि कई दफा जो बड़ा सर्कल भी नजर आ रहा होता है वो किसी और सर्कल में कवर हो सकता होता है, ठीक है। आपने ऐसे सर्कल्स पहले ढूंढने हैं जिनके बगैर गुजारा नहीं है, जिनके बगैर आपका सर्किट नहीं बनेगा, ठीक है। सो उसके लिए आपको अगर कोई ऐसे वंस मिल जाए, अगर आप वंस पे सर्कल लगा रहे हैं जो कि किसी एक ही सर्कल में आते हो, ठीक है, और उस सर्कल को फिर आप जितना एक्सपैंड कर सकते हैं वो कर दें, ठीक है, तो पहले उनको कवर करें, ठीक है। सो जो टेम्पटेशन हो रही है ना कि जिस तरह इधर सामने चार वाला सर्कल सामने नजर आ रहा है तो अब आपका फौरन से दिल करेगा कि नहीं, पहले आप उन वंस को कवर करें जो कि किसी एक ही सर्कल में आते हैं,
ठीक है, अगर ये वाकई एक ही सर्कल में कवर हो सकते हैं फिर ठीक है, लेकिन अब ये वाला वन इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ये वाला वन अगर मैक्सिमम कवर करना है तो हाँ ये वाकई यही वाला सर्कल बनेगा, तो इसमें हर्ज नहीं है कि आप ये लगा दें, लेकिन आपने पहले देखना है एक दफा और से कि यार कोई ऐसे वंस जिसका आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे ये हाँ इनका एक ही सर्कल बनता है और वो मैक्सिमम सर्कल यही है तो वो कवर। जिस तरह इस केस में मुझे ये लगता है कि ये वाला वन जो है ये सबसे पहले सबसे अकेला लग रहा है, ठीक है, इसका तो कोई भी नेबर नहीं है, ठीक है, सो इसका मतलब है कि इसका तो बेचारे का अकेला सर्कल ही बनेगा, ठीक है। अच्छा डोंट केयर्स को कैसे यूज कर रहे हैं, डोंट केयर्स अगर सर्कल को एक्सपैंड कर रहे हो तो जरूर सर्कल को एक्सपैंड करने में उनको आप सर्कल बड़ा बना दें, ठीक है, बाकी जो डोंट केयर बच गए हैं डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा वन ये आ गया, इसकी एक साइड पे एक्स है और बाकी ना इस तरफ कोई नेबर है ना इस तरफ कोई नेबर है जो कि वन हो, तो इसका क्या मतलब हुआ, कितने का सर्कल बनेगा, ये दो का सर्कल बन गया, ठीक है। अब इनमें से ये वाला वन जो है इसके तो इस तरफ भी बन सकता है इस तरफ भी बन सकता है, लेकिन ये वाला वन जो है इसके एक साइड पर जो सर्कल बन सकता है वो मैक्सिमम एक ही बड़ा सर्कल बन सकता है इसको कवर करने वाला, और वो ये चार का सर्कल है, ठीक है। तो ये बना दिया तो अब हमारा इस केस में कोई ऐसा सर्कल नहीं रहा जिसमें जिसको कवर करना हो, वन सारे कवर हो गए, ठीक है, सो वन कवर हो गए तो आप बेशक पीछे डोंट केयर पड़े रहे, वी डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है, डोंट केयर को हम जीरो भी कंसिडर कर सकते हैं, वन भी कर सकते हैं, सर्कल बढ़ाने में हमें ये यूजफुल था, हमने इसको वन कंसिडर कर लिया, ठीक है। सो यहां तक चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब अगली चीज है कि एक्सप्रेशन लिखनी इसकी, सो यहां पर ए बी था यहां पर सी डी था, आपको मैंने इधर 0001 नहीं लिखा हुआ जान के, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये 00 होता है, ये 01 होता है, ये 11 होता है और ये 00 होता है, ठीक है, 00 01 11 और 10, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन लिखनी है, ये अब आप लोगों ने बतानी है, एक एक करके मैं पूछता हूँ, कौन बताएगा इस वाले सर्कल की, हाथ खड़ा करें, चलें आप बताएं, ए बी बार, बस ए बी बार, सी बार डी बार, प्लस या सी बार डी बार, सर सी बार डी बार, ठीक है। सो क्या करना है, हमने चेक करना है इस तरफ क्या आ रहा है 10, इस तरफ क्या आ रहा है 00, सो जो 1 आ रहा है उसको उसी तरह लिखना है, जो 0 आ रहा है उसकी बाहर ले लेना है, और अगर कोई चीज 01 दोनों आ रहा है तो उसको हमने इग्नोर कर देना है, ओके। ये वाला सर्कल हो गया, टिक कर देते हैं, ये वाला कौन बताएगा, चलिए आप बताएं, ये वाला सर्कल ए बार आपसे पूछता हूँ, ए बार सी डी बार कैसे, इस साइड पे बी 01 हो रहा है, इसका मतलब है इस पे आप डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है, ए पे सिर्फ डिपेंड कर रहे हैं और वो 0 आ रहा है तो ए का बार लगा दिया, इस साइड पर बी 1 आ रहा है, सी 0 आ रहा है, सॉरी सी 1 आ रहा है, डी 0 आ रहा है तो डी बार कर दिया सी डी, ओके। आखिरी वाला है ये, चले आप बताए, ये वाला सर्कल है, इस साइड पे क्या चेंज हो रहा है और इस साइड पे क्या चेंज, इस साइड पे देखें ए पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, इस साइड पे देखेंगे तो ए 0 भी हो रहा है 1 भी हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, जो चेंज हो रहा है उस पे डिपेंड नहीं, बी क्या है सेकंड बिट क्या है 1 है 0 है, 1 है, तो इसका क्या मतलब है कि B पे डिपेंड कर रहा है, तो B आएगा या बार आएगा, B आएगा, ठीक है। और इस साइड पे देखें तो C पे डिपेंड कर रहा है MSP पे, 0 भी हो रही है 1 भी हो रही है तो डिपेंड नहीं कर रहा है इसका मतलब, और D 1 रह रहा है तो इसका मतलब है कि D आएगा, ठीक है, सो बी डी, ठीक, सो आपका ये पूरी अब एक्सप्रेशन बन गई, ठीक है, ठीक हो गया।
यहाँ तक तो ये हमारा ये लिख देंगे तो आपके पास पूरे पूरे मार्क्स। सो इसमें मेन जो मतलब ये अगेन इजी पिकिंग्स हैं, ठीक है। बेसिकली यार सारे क्वेश्चन ही आप देखें तो वो इजी पिकिंग्स ही थे लास्ट वाले मिनट में, जस्ट आपको हर एक का अपना अपना तरीका आना चाहिए था, ठीक है। सो कोई बहुत ज़्यादा सोच विचार वाला क्वेश्चन नहीं था सच, ठीक है। सो इनमें गलती क्या होती है, सर्कल लगाने में गलती हो जाती है, एक्सप्रेशन बनाने में गलती हो जाती है। सर्कल लगाने में लोग जो हैं बड़े सर्कल पे पहले अटैम्प्ट कई दफ़ा हो जाते हैं, कई लोग ये करते हैं कि कोई वन छोड़ देते हैं, अब अकेला वन नज़र आ रहा है इसको छोड़ ही दिया, नहीं सारे वंस कवर करने हैं, ठीक है। और या इस दो का बना दिया, एक्स को यूज़ नहीं किया, एक्स को यूज़ करना है बड़े से बड़ा सर्कल बनाने के लिए, ठीक है। एक्स को इस तरह यूज़ करना है जहाँ पर सर्कल बड़ा हो रहा हो वहाँ पर एक्स यूज़ करते हुए बड़ा कर दें, और उसके अलावा कोई बचते हैं तो बचते रहे एक्स, ठीक है। सो एक्स हमारी आसानी के लिए है कि कहाँ पर हम सर्कल को बड़े से बड़ा कर सकें, ठीक। एक्सप्रेशन लिखते हुए बाद का लोग सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम को कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसको पहले से पक्का करके आए कि सम ऑफ प्रोडक्ट क्या है और प्रोडक्ट ऑफ सम क्या। इसी का दूसरा पार्ट था कि इसी को प्रोडक्ट ऑफ सम से सॉल्व करें, ठीक है, यानी कि जीरोस को कवर करें, ठीक है, और उसकी प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन लिखें, ठीक है। सो अगर मैंने जीरोस को कवर करना है तो ऐसा जीरो जो कि किसी एक ही सर्कल में फिट इन आ रहा हो, ठीक है, और उस सर्कल को हम बड़े से बड़ा कर सके, कोई नजर आ रहा है ऐसा जीरो? आपको क्या हुआ अभी? अच्छा, खैरियत, बाइक पे तो आप बच गए हैं और बाइक गिरे थे, चलो टेटनेस तो गवा लिया। टेटनेस टेटनेस अटेंडेंस पहले लगा लो और उसके बाद टेटनेस लगवा लो, ठीक है। आपकी अटेंडेंस वैसे भी थोड़ी सी शॉर्ट है, लेकिन टेटनेस याद से लगवा लेना, कोई वैसी पेन तो नहीं है, कोई कांस्टेंट जो रहे। हाँ नहीं, वो मतलब फ्रैक्चर वगैरह ना हो उधर चेक कर, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा पेन कॉन्टिन्यूसली रह रही है फिर आप बेशक जाओ, मैं अटेंडेंस का कुछ कर लूँगा, उसका मसला नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो सेहत सेहत से तंदुरुस्ती हजार नहीं, मतलब सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। ओके, सो अब जीरोस को कवर करना है, ठीक है। तो जीरोस को कवर करना है तो ऐसा जीरो जो कि किसी एक ही सर्कल में आ रहा हो, कोई है ऐसा जीरो? कौन सा वाला? ये वाला, इसके दो नेबर्स हैं वैसे, लेकिन इन दो को मिला के एक ही बड़ा सर्कल बन सकता है ना, तो वो बन सकता है कि आप ये चार वाला बनाएं, लेकिन इससे बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि इस तरफ जीरो आ गया। तो इससे बड़े से बड़ा सर्कल इस जीरो को कवर करने वाला जो बनता है ना, वो यही बन सकता है, ठीक है। ऑल्दो इसमें कोई ऐसा जीरो नहीं था जिसका एक ही साइड पे नेबर हो, लेकिन जिसके दो साइड पे था उस पे हमें नजर आ रहा है कि इसका बड़े से बड़ा सर्कल जो इसको कवर कर सके ना, वो यही बन सकता है, और कोई सर्कल बन नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि ये सर्कल तो आना ही था, ठीक है। तो पहले हमने वो सर्कल लगाने हैं जो आना जरूरी है, ठीक। और ऐसा कोई सर्कल है, और कोई जीरो है ऐसा? ये वाला भी तकरीबन ऐसा है कि इसके इस तरफ भी नेबर है, इस तरफ भी है, लेकिन इनको कवर करने वाला बड़े से बड़ा सर्कल, क्योंकि इस तरफ तो तीसरा आता है लेकिन चौथा नहीं आता, ठीक है, मतलब लेकिन, और इस तरफ आपका जो बन रहा है वो ये चार वाला सर्कल बन रहा है, ठीक है। अब आपके रह गए दो सर्कल, ठीक है। इसको अगर मैं कवर करना चाह रहा हूँ, ठीक है, अब ये दोनों जो हैं ये कई सर्कल्स में आ सकते हैं बेसिकली, लेकिन इसको अगर मैं कवर करना चाह रहा हूं तो बड़े से बड़ा क्या बन सकता है? इसको और इसको साथ तो कवर कर नहीं सकते अनलेस के यहां पर भी होते हैं, तो इसको अकेले ही करना है, तो इस तरफ भी दो का बन सकता है, इस तरफ भी दो का बन सकता है, चार का बनने की ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इस तरफ भी नहीं है क्योंकि इधर वन आ जाता है, इस तरफ भी नहीं है क्योंकि। सो अब इसका मतलब है मैं यहां पर भी दो का बना सकता हूँ, यहां पर भी दो का बना सकता हूँ, तो अब ये मैटर नहीं करता क्योंकि दोनों ही दो के हैं, तो कोई भी एक बना दिया जाए, ठीक। इस वाले को अगर करना चाहूं तो वो इसमें मैक्सिमम क्या बनता है? इसमें ये चार का पूरा सर्कल बन जाता है, और तो कोई नहीं बन सकता, चार से बड़ा नहीं बन सकता क्योंकि इधर वन आ गया, वरना यह पूरा आठ का भी हो सकता था। सो
ये हम चार का सर्कल बना दें, ठीक। तो ये ध्यान में रखना है कि सर्कल हम बड़े से बड़ा चाहते हैं, ठीक है। जो सर्कल अगर सिंगल सर्कल होगा उसमें चारों वेरिएबल आ रहे होंगे, अगर दो का सर्कल होगा तो उसमें एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, अगर चार का सर्कल होगा तो दो वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आठ का होगा तो तीन एलिमिनेट हो जाएंगे, सोलह के सोलह हो जाएंगे तो सारे के सारे वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर सारे ही वंस होते तो सोलह का सर्कल बन जाता है। इसका मतलब है वो ए बी सी डी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, आपने सिंपल वन पांच वोल्ट आगे देने वो वैसे ही दे दे, ठीक है। सारे जीरो आ रहे हैं तो इसका भी मतलब है कि किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, ग्राउंड के साथ वैसे डायरेक्टली टाइप कर, ठीक। ओके, सो अब इसकी एक्सप्रेशन लिखनी है, ठीक है। सो अब मैं इसकी प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। सो ये कौन लिखवाएगा, पहले इस सर्कल की से शुरू हो जाते हैं, दो वाले से कौन लिखवाएगा जी? सखावत ए बार बी सी बार, ठीक है। ये प्लस भी आएगा साथ, ठीक है। सो कॉमन गलती दो किस्म की होती है इसके अंदर जब आप प्रोडक्ट ऑफ सम पे जाते हैं, ठीक है। कि अभी आपने सम ऑफ प्रोडक्ट बनाया था, अब आप प्रोडक्ट ऑफ सम बनाने लगे। पहली गलती ये हो जाती है कि जब आप प्रोडक्ट ऑफ सम बना रहे हैं तो जहां पर वन आ रहा है वहां पर आपने बार लिखना है, ठीक है। सो बाद लोग फिर इधर ए बी बार सी लिख देंगे क्योंकि भाई ए वन आ रहा है बी जीरो आ रहा है, नहीं। प्रोडक्ट ऑफ सम में जहां पर वन आ रहा है वो बार है, जहां पर जीरो आ रहा है वो डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। सो ये इस तरफ से देखते तो ए वन आ रहा था, इन्होंने ठीक बताया ए बार, बी जीरो आ रहा था, इन्होंने ठीक बताया कि उसको डायरेक्ट लिखना है। ऊपर से देखें तो सी वन आ रहा था, इन्होंने ठीक बताया बार, फिर डी पे डिपेंड नहीं कर रहे थे, वो इलिमिनेट हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी गलती होती है कि यहां पर प्लस भूल जाते हैं, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम्स, तो हर एक्सप्रेशन आपकी सम होगी एक, ठीक है। सो ये और हो रहे हैं बेसिकली, आप बता रहे हैं कि ये इस सीक्वेंस में और हो रहे हैं, ठीक है। ठीक हो गया, सखावत ने ठीक बता दिया, अगला कौन बताएगा, ठीक है। सो ये मिस नहीं करनी ये दोनों गलतियां, ठीक है। प्लस डालने हैं नहीं भूलना और वो। अच्छा, अब ये तीन चार चार के सर्कल आ रहे हैं तो लेट से कि मैं ये जो चार वाला पूरा है इसको पहले करने की कोशिश करता हूँ, ये कौन बताएगा? जाते जाते ये भी बताते जे इस सर्कल की क्या एक्सप्रेशन बने। बैठ जाओ बैठ जाओ, इस वाले सर्कल की ये जीरो आ रहा है, ए जीरो आ रहा हो तो क्या करना होता है, बार नहीं लेना होता, प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन है, ठीक है। तवज्जो बाहर जाने की तरफ मबजूल थी, प्लस उनको सोचने दें, उनको इसीलिए रोका है ताकि उनको एग्जाम से पहले जो गलतियां करनी है वो कर लें, ठीक है। इस साइड पे किस पर डिपेंड कर रहा है, सी जीरो है तो क्या होना चाहिए, सी इसी तरह होना चाहिए, ठीक है। अब आप जा सकते हैं जिधर भी जा रहे हैं, ठीक है, वापस आ जाइएगा। ओके, सो इससे अगला वाला क्या होगा, इससे अगला इस वाले को लेट से ले लेते हैं, ये कौन बताएगा? ये कोई ऐसा मैं देखता हूँ ना, अफसर आप बताएं, आप मुझे जरा कंफ्यूज कंफ्यूज लग रहे हैं। पाकिस्तान में जो अफसर होते हैं वो काम नहीं करते, ये बड़ा मसला है। वैसे भी ये लेट आते हैं अफसर अक्सर, है ना, सही अफसर हैं अंदर से जो दिल से अफसर हो। ए पे डिपेंड कर रहा है, ये ऊपर और नीचे आ रहे हैं, मोबाइल साइलेंट कर लें जिसका भी बजाय, ठीक है। ए पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये यहां पर है, ए जीरो भी हो रहा है वन भी हो रहा है, तो इसका मतलब ए पे डिपेंड नहीं कर रहा। बी जीरो रह रहा है, इसका क्या मतलब है, जीरो का मतलब है बार नहीं लगाना, ये हम प्रोडक्ट ऑफ सम कह रहे हैं, ठीक है। चलो एक मैंने बता दिया आपको, अब आप इस साइड से देख के बताओ, ये आप खुद बताओ, सी पे डिपेंड कर रहा है, डी पे कर रहा है, सो डी आएगा डी बार आएगा, डी बार आएगा, ठीक है। या प्लस भी लगाना है बीच में, प्लस भी लगाना है, ठीक नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ सम में साथ प्लस भी लगाना है, अभी दो मिनट पहले मैंने बताया था, ठीक है। चलो इसी गलत बताने की खुशी में आखिरी वाला भी आप बताओ, ठीक है। बिल्कुल आपने अभी भी सीखा है, ठीक है। सो बहुत अच्छा है कि आप पेपर से पहले इसकी प्रैक्टिस कर लें,
इसमें अफसर को बताने दे, ए पर डिपेंड कर रहे हैं ये वाला सर्कल नहीं, बी पे कर रहा है तो बी आएगा, बी बार आएगा, बी बार आएगा, गुड। प्लस सी पर डिपेंड कर रहे हैं, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, सी पर डिपेंड कर रहा है नहीं, डी पे कर रहा है, डी आएगा डी बार आएगा। ठीक है जी अफसर, इन दो मिनट में आपने हो सकता है कि पेपर के 5 नंबर पक्के कर लिया। ठीक है ओके, तो यहां तक चीज क्लियर हो गई। ठीक है, सो कॉमन गलतियां जो आपने याद रखनी है वो ये है कि भाई जब प्रोडक्ट ऑफ सम कर रहे हैं तो फिर इस तरह सम लगाना ना भूलें, उसको ये ना हो कि मल्टीप्लाई करके और प्लस ही लगाते रहे। जहां पर डिपेंडेंस आ रही है अगर वो 1 है तो बार लगाना है, 0 है तो बार नहीं लगाना, बिल्कुल ऑपोजिट उसके जो कि हमने सम ऑफ प्रोडक्ट में किया था। ठीक है, सो ये अगर आप कर देंगे तो ये काफी होगा। ठीक है ओके, सो कार्नोफ मैप से तो तकरीबन इस किस्म के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो अगर आप के मैप्स की थोड़ी प्रैक्टिस करके आ जाएं, नंबर सिस्टम की करके आ जाएं, तो प्रोबेबली आपके 50 में से मेरा ख्याल है कि अराउंड 20 के करीब मार्क्स बन सकते हैं। ठीक है, 50 मार्क्स होंगे मोस्ट प्रोबेबली, ओवरऑल 100 में से 50 नहीं होंगे, पेपर के प्रोबेबली 50 होंगे, जरूरी नहीं है 50 60 भी कर सकता हूं, लेकिन जो 100 में से इसकी वेटेज बनेगी वो क्योंकि एक ही मिड है तो इट वुड बी अराउंड 25-30% ऑफ ओवरऑल। ठीक है, अच्छा अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका डिजाइन अ सर्कल डायग्राम ऑफ क्वाड्रपल 4:1 मल्टीप्लेक्सर। ये आपका उस चैप्टर में से है जिसमें हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़े थे, जिनको हमने कहा था डिकोडर, इनकोडर, प्रॉड इनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, कंपैरेटर, एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लायर। ठीक है, ये सारे हमने पढ़े। ठीक, इनमें से आप ऑब्वियसली इस दफा ये केस आया हुआ था तो नेक्स्ट टाइम ये तो नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली जो आपने पेपर देना है, इनमें से मैं किसी में से भी कोई क्वेश्चन दे दूंगा क्योंकि ऑब्वियसली 1.5 घंटे में कोई एक ही किस्म का होगा मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो किस किस्म का दे रहा, अब मिसाल के तौर पर ये आपको कहा हुआ है कि क्वाड्रपल 4:1 मल्टीप्लेक्सर बनाए, हमने क्लास में क्वाड्रपल 4:1 मल्टीप्लेक्सर नहीं बनाया था, हमने क्वाड्रपल 2:1 मल्टीप्लेक्सर बनाया था और हमने वैसे 4:1 मल्टीप्लेक्सर भी बनाया हुआ था। सो अगर हमने 4:1 मल्टीप्लेक्सर बनाया हुआ और हमने क्वाड्रपल 2:1 मल्टीप्लेक्सर बनाया हुआ है तो वी शुड बी एबल टू जनरलाइज के वो 4:1 मल्टीप्लेक्सर कैसे बनेगा। ठीक है, सो क्वाड्रपल का क्या मतलब होता है, जिसकी 4 इनपुट्स हो। ठीक है, 4 बिट का नंबर आ रहा हो। ठीक है, अच्छा दो तरह की 4 इनपुट्स होती है, एक ये होता है कि ये मक्स की 4 इनपुट है, ये क्वाड्रपल मार्क्स नहीं है। ठीक है, ये सादा 4:1 मल्टीप्लेक्सर है। क्वाड्रपल 4:1 मल्टीप्लेक्सर का मतलब है कि इसकी हर एक इनपुट असल में 4-4 बिट की है। ठीक है, ये भी 4 बिट की है और ये भी 4 बिट की है। और इसके हिसाब से फिर आपकी आउटपुट भी चलो कि अगर ये 0-0 आया तो ये 4 आगे कनेक्ट हो जाएंगी, 0-1 आया तो ये 4 कनेक्ट हो जाएंगी, 1-0 आया तो ये कनेक्ट हो जाएंगी, 1-1 आया तो ये कनेक्ट। अगर आपने ये सही तरीके से पढ़ा हो, जो कि अगर आपने क्वाड्रपल 4:1 मल्टीप्लेक्सर सही तरीके से समझ के आए होंगे कि मल्टीपल बिट्स को कैसे हैंडल करते हैं, तो मैंने आपको बताया था इट्स काइंड ऑफ कि आप एक बिट वाला जो है ना उसको रेप्लिकेट कर देते हैं। ठीक है, कुछ 4 दफा तो सिर्फ उसकी सिलेक्ट लाइन सेम यूज हो सकती है। ठीक है, सो अब क्योंकि आपको सर्किट बनाने को कहा गया है तो ऑब्वियसली आप फिर आप गेट लेवल का सर्किट बना रहे होंगे और गेट लेवल का सर्किट बनाने के लिए किस चीज की आवाज आ रही है, ये वो कुर्सी से आ रही है आवाज। हाँ अच्छा, डिस्टर्बेंस ना करें यार। ठीक है, सो लेट से ये आपकी सिलेक्ट लाइन 0 है, ये सिलेक्ट लाइन 1 है, फिर सो हमने नॉर्मल जो सर्किट पड़ा हुआ है ना इसका एक 4:1 मल्टीप्लेक्सर का, वो आपको अगर याद हो तो हम एक डायरेक्टली ले लेते थे, बाहर करके ले लेते थे और फिर हम कहते थे कि हमारे पास 4 गेट्स ऐसे लगे होंगे, एक 0-0 केस के लिए, एक 0-1, एक 1-0 के लिए, एक 1-1 के लिए। इस केस में आप 0-0 ले लेंगे यानी दोनों बार वालों के साथ कनेक्ट कर देंगे और एक इनपुट आ जाएगी। ठीक है, सो दूसरे वाले के लिए अभी ये मैं क्वाड्रपल नहीं बना रहा, सिंपल 4:1 मल्टीप्लेक्सर बना रहा हूँ। ठीक है, दूसरे वाले केस में 0-1 आ जाएगा, यानी कि जो 1 वाला है ना, ये जो मैं मोटा करके डॉट लगा रहा हूँ इसका मतलब है कि ये कनेक्टेड है और बाकी वैसे सीधे पास कर। ठीक, सो 1-0 का मतलब है कि यहाँ से 1 उठा लो, नहीं सॉरी हमने 1-0 नहीं लगाना था, हमने 0-1 लगाना था। ठीक है, सो इसका मतलब है कि वैसे ठीक लग रहा था, इसको 0 डालो
और एस जीरो को वन उठा लो और ये दूसरी बिट आ रही है। और अगले केस में क्या था कि वन जीरो, सो इसका मतलब है एम एस बी वन उठा लो और जो एल एस बी है वो जीरो उठा लो, ठीक है। और आखिरी केस वन वन था, इसका मतलब है दोनों को यहीं से उठा लो, ठीक है। सॉरी डॉट नहीं आएगा। और ये हमारा नॉर्मल एक 4:1 मल्टीप्लेक्सर था, ठीक है, सिंगल बिट का 4:1 जिसकी चार इनपुट। लेकिन अब हमने करना क्या है कि ये आपके पास लेट से ए बी सी और डी आ रही हैं और ये एफ है आपके पास। सो अब हम चाहते हैं कि जब 0:0 आए, ठीक है, सो यहां पर आपकी आउटपुट क्या है, ए पूरा का पूरा आगे चला जाए, ठीक है। तो अगर मैं इसको कह दूं कि ये ए 0 है, ए 1 है, ए 2 और ए 3 है, और ये बी 0 है, बी 1 है, बी 2 है, बी 3 है एंड सो ऑन, और ये एफ 0 है, एफ 1 है, एफ 2, एफ 3 है। तो ये हमने सिर्फ अभी बनाया है सर्किट कि ये ए 0 आ रहा था, ये बी 0 आ रहा था, ये सी 0 आ रहा था, ये डी 0 आ रहा था, तो ये एफ 0 का सर्किट बना है, ठीक है। आप बिल्कुल यही वाला सर्किट रेप्लीकेट कर देंगे नीचे इसी तरह ये वाले कनेक्शन दे के, लेकिन वहां पर ये जो चार इनपुट्स आ रही होंगी ना वो हो जाएंगी ए वन, बी वन, सी वन और डी वन, ठीक है। फिर बिल्कुल यही वाला सर्किट दोबारा रेप्लीकेट कर देंगे, वो बी टू सी, ए टू बी टू सी टू डी टू, और उससे क्या होगा कि यहां पर आपके पास फिर एफ वन का भी सर्किट बन जाएगा, एफ टू का भी बन जाएगा और एफ थ्री का भी बन जाएगा। तो ये आपका क्वाड्रपल 4:1 मल्टीप्लेक्सर बन गया कि सेम जो एक बिट के लिए काम किया था वो आपने चार बिट्स के लिए कर दिया और हर बिट को अलग अलग निकाल दिया। So, ये तो खैर पिछली दफा का सलूशन है, ऑब्वियसली इस दफा ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो मिसाल के तौर पर हमने कंपैरेटर पढ़ा है, ठीक है। सो हमने कंपैरेटर की एक लॉजिक पढ़ी थी कि लेट से ये दो बिट का कंपैरेटर है, तो हम देखेंगे कि अगर ये ए है और ये बी है और मैंने ए ग्रेटर देन बी बनाना है तो मैं क्या करूंगा कि अगर ये, अगर मैं कहता हूं ए वन ए जीरो है और ये बी वन बी जीरो है, सो मैं कहता हूं कि अगर ए वन वन हो बी वन जीरो हो तो इसका मतलब है ए इज ग्रेटर देन बी। और हमने कहा था अगर ये दोनों बराबर हो तो फिर इससे अगली बिट पे चले जाओ। सो बराबर के लिए हमने कहा था कि ए वन का बी वन से अगर एक्स नॉर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये बराबर है, और इसको अगर मैं एंड कर दूं ए जीरो बी जीरो बार से कि अगर ये वाली बिट इससे बड़ी है और अगली वाली दोनों बराबर हैं तब भी ये बढ़ाएगा, और अगर ये वाली बिट बड़ी है और ये वाली छोटी है तब भी ये बढ़ाएगा, ठीक है। सो ये वाला एक सिंपल कॉन्सेप्ट था जो हमने आगे रेप्लीकेट किया तीन बिट पे, फिर चार बिट पे, फिर चार बिट तक का हमने बनाया। लेट से मैं आपको पेपर में देता हूं पांच बिट का कंपैरेटर बनाते, तो यू शुड बी एबल टू जनरलाइज दिस थिंग, ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए कि यार पहले एम एस बी को देख लो, अगर वो बराबर आ रही है तो उससे अगली बिट को देखना है, अगर वो दोनों बराबर आ रही है तो उससे अगली को देखना है, अगर तीनों बराबर आ रही है तो उससे अगली को देखना है एंड चारों बराबर आ रही है तो उससे अगली को देखना है। तो ये आपकी एक्सप्रेशन एक बन जाएगी और वो एक्सप्रेशन आपको देने के काबिल होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह हमने एक और चीज पढ़ी हुई थी कि हमने कैस्केडेबल कंपैरेटर बनाया था, हमने कहा था कि यार अगर चार बिट को कंपेयर करना है तो एक हमारा इस तरह का कंपैरेटर बन सकता है जो पिछली बिट्स को इनपुट ले रहा हो कि इससे पीछे वाली ये ग्रेटर देन बी थी, ये इक्वल टू बी थी या लेस देन बी थी, और चार बिट्स को कंपेयर करके ये चार चार बिट्स ए और बी के इनपुट हैं वो बता दे कि उन पिछली और ये चार मिला के क्या रिजल्ट होता है, और इनको जोड़ करके हमने बनाया था 16 बिट का कंपैरेटर। लेट से मैं आपको कहता हूं 12 बिट का कंपैरेटर बनाए यूजिंग कैस्केडेबल कंपैरेटर्स, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ इन तीन को मैं जोड़ूंगा तो 12 बिट का कंपैरेटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीजें जो है ना आपको समझनी इस तरीके से है कि आपको समझ आ जाएंगे वो कंपोनेंट्स बनते कैसे हैं, और फिर मैं उनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन दूंगा कि उनको दो तीन को जोड़कर आप बना सके, ठीक है। सेम गोज फॉर प्रायोरिटी इनकोडर डिकोडर के मैं उसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन दे सकता हूं जो स्लाइटली मॉडिफाइड हो, एग्जैक्टली सेम सर्किट शायद मैं ना दे रहा हूं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। जिस तरह हमने मल्टीप्लायर पढ़ा हुआ है, हमने दो बिट का मल्टीप्लायर पढ़ा था, मैं उसकी किसी एक बिट का सर्किट बनाने को दे दूं आपको, या अगर हमने चार बिट का एडर पढ़ा है तो मैं आपको पांच बिट का एडर बनाने को दे दूं, ठीक है। तो यू शुड बी एबल टू डू दिस, ठीक है। मैं आपको कहूंगा भाई रिपल कैरी एडर पांच बिट का बना दो, तो आप चार बिट का सर्किट आपको पता है तो आप पांच बिट का भी बना लेंगे, ठीक है। सो जो मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो एग्जैक्ट सर्किट आप याद ना करें, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है
कि आपकी तैयारी ये नहीं होनी चाहिए कि आप बहुत सारे सर्किट जो है ना वो मेमोराइज करके आ जाए, ठीक है। आपकी तैयारी ये होनी चाहिए कि आपको वो समझ आए होंगे सर्किट काम कैसे कर रहा है, ठीक है। अगर आपको वो समझ आए होंगे तो आपका जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो इट्स नॉट लाइक वो FSC की वजह से बात करना हमारे बच्चों में आदत होती है कि वो 500 सवाल याद करके आ जाते हैं और समझते हैं इनमें से 4 सवाल आ जाएंगे, ठीक है, या 50 सवाल याद करके, नहीं, ठीक है। आपके जो क्वेश्चन, हर दफा मैं नया क्वेश्चन ही बनाता हूँ, लेकिन अगर आपको चीज समझ आई हुई है तो वो बहुत ईजी है, अगर नहीं समझ आई हुई तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगी, ठीक। ओके, सो अगले जो 3 क्वेश्चंस थे हमारे वो सारे सीक्वेंशियल से थे, ठीक है। सो हम क्विकली इनको भी कर लेते हैं। सीक्वेंशियल में हमने 3 चीजें पढ़ी थी, सीक्वेंशियल सर्किट एनालिसिस पढ़ा था, सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइन पढ़ा था। सीक्वेंशियल सर्किट एनालिसिस में हमने कहा था कि अगर सर्किट गिवन है तो उससे स्टेट टेबल तक पहुंचा जाए। सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइन में हमने ये कहा था कि अगर एक प्रॉब्लम गिवन है तो उसे स्टेट मशीन तक पहुंचा जाए और उसका सर्किट बनाया जाए, ठीक है। सो इनमें से जो पहला क्वेश्चन है वो सीक्वेंशियल सर्किट एनालिसिस का है। अगर आपको याद हो आपने जो क्विज दिया था वो इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, उसमें 2 फ्लिप फ्लॉप लगे हुए थे, इसमें सिर्फ 1 फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ, तो ये बेसिकली उसकी निस्बत आसान दिया हुआ ताकि आप इसको जरा जल्दी जल्दी से कर सके। सो सीक्वेंशियल सर्किट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेबल कर देते हैं इनपुट और आउटपुट को। लेट्स से मैं इसको कहता हूं एक्स, इसको कहता हूं वाई, इसको कहता हूं जी, और जो मेरा कितने फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं, 1। तो 1 लगा हुआ है, इसका मतलब है स्टेट की 1 बिट है सिर्फ, ठीक है। सो मैं लेट्स से इसको कहता हूं क्यू, ठीक है, जो भी मेरी स्टेट की बिट है। तो मेरा जो भी स्टेट टेबल बनेगा उसमें 2 इनपुट हैं एक्स और वाई, इनपुट्स और प्रेजेंट स्टेट, ठीक है। सो प्रेजेंट स्टेट को मैं कहता हूं क्यू, ठीक है, और फिर आपने नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट्स, ठीक है। हमने देखा था कि अगर डी फ्लिप फ्लॉप हो फिर तो बहुत आसान है कि जो इसकी इनपुट पे आ रहा होता था डी फ्लिप फ्लॉप के वही उसकी आउटपुट पे आ जाता था, तो नेक्स्ट स्टेट जो इनपुट आ रही थी वही उसी से पता चल जाता। लेकिन जे के फ्लिप फ्लॉप अगर लगा हुआ है तो फिर हमें जे क्यू और के क्यू, इसको अगर मैं कह दू, ठीक है, या अलर्ट से 2 है ही नहीं तो मैं सिंपल जे और के ही कहता हूं। जे और के मेरी इनपुट जो आ रही है, अगर मुझे दोनों पता हो तो मैं बता सकता हूं कि नेक्स्ट स्टेट क्या है। तो इसका मतलब है मुझे टेबल के अंदर जे और के भी पहले निकाल लें, उसके बाद मुझे पता चलेगा कि क्यू अगले साइकिल में क्या होगा। असल में मैंने स्टेट टेबल में क्यू अगले साइकिल में क्या होना है वो बताना है, और इसके अलावा मुझे क्या बताना है, आउटपुट। सो आउटपुट को मैंने नाम दे दिया हुआ है जी, सो दिस इज जी, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ठीक है। इधर मैंने लिखा नहीं है, ये शीट खराब हो जाएगी, बट यू शुड नो कि ये ऊपर वाला एक्स है, नीचे वाला वाई, आखिर वाला जी है। ओके, इस साइड पे हम क्या करते हैं, सिंपल वैसे ही फिल कर देते हैं कि यार 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, ठीक है। और इस साइड को फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल z है तो z की पहले हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। z क्या एक्सप्रेशन इसकी बनेगी, एंड गेट है q और y आपस में, तो मैं लिखूंगा z इज इक्वल टू QY, ठीक है। सो अगर मैं इस तरतीब से लिखना चाहूं तो मैं इसको QY के बजाय YQ लिख दूंगा, ठीक है, बार तो नहीं था ना, Q ही था। इसमें क्या मिसिंग है, X मिसिंग है। सो मैं अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आऊंगा तो मुझे ट्रुथ टेबल सीधा सीधा मिल जाएगा। सो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मैं इसको X प्लस X बार से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास एक्स वाई क्यू प्लस एक्स बार वाई क्यू आ जाएगा, जो कि आपके पास 111 यानी कि M7 प्लस M, ये कौन सी बनेगी M, जल्दी से बताएं, 3, ठीक है, ये बार आ रहा है और ये दोनों। सो M इंपॉर्टेंट ये है कि इसी तरतीब से लिखें, फिर आप ये M सही बता सकेंगे। मैंने X Y Q इसी तरतीब से लिखे, ठीक है, तब 111 का मतलब 7 है और 11011 का मतलब, सो इसका मतलब है कि Z ना 1 और 3 1 3 और 7 पर 1 होगा। सो 0 पर भी नहीं 1 पे भी नहीं 1 2 पे भी नहीं 1 3 पर 1 है, 4 पर भी नहीं 1 5 पर भी नहीं 1 6 पर भी नहीं 1 और 7 पर 1 है। सो ये आपका एक काम हो गया। ये नहीं समझ आई वाई क्यू, नहीं समझ आई या आगे वाले वाई क्यू किस तरह आया, ये क्यू और वाई आपस में एंड हो रहे हैं तो मेरे पास जी बन रहा है, गेट है ना ये लगा हुआ, एंड गेट है, एंड गेट में क्या आ रहा है, क्यू जो प्रेजेंट स्टेट आ रही है और दूसरी तरफ से इनपुट वाई आ रही है। सो मैंने उसको लिख दिया वाई क्यू,
ठीक है, अभी x प्लस एक्स बार से मल्टीप्लाई नहीं किया था, आप सिंपल वाई क्यू तो समझ आ गया ना कैसे आ गया। अब नेक्स्ट चीज है कि अच्छा वाई क्यू की बेस पे इस ट्रू टेबल में कहां कहां पर वन आएगा, उसके लिए अगर मैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले तो मुझे आसानी रहेगी। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मुझे जो वेरिएबल मिसिंग है वो डालना है बीच में, वो क्या है एक्स। सो मैंने उसको एक्स प्लस एक्स बार से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स प्लस एक्स बार से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गया एक्स वाई क्यू और एक्स बार वाई क्यू, ठीक है। साथ ही मैंने इसको सीधा भी कर दिया, ठीक है, कि इसको क्यू वाई के बजाय वाई क्यू लिखा और एक्स को पहले लिखा मैंने, ताकि मेरे पास, क्योंकि ये बिल्कुल इसी तरतीब से मैंने ट्रुथ टेबल में फिल किया। सो ये 111 का मतलब है इस ट्रुथ टेबल का M7 और 1011 का मतलब है इस ट्रुथ टेबल का M3। सो M3 पे भी मैंने 1 लगा दिया, M7 पे भी मैंने 1 लगा दिया, बाकी जगहों पर 0। अच्छा नेक्स्ट चीज है कि क्यू क्या आना है, ठीक है। जे और के तो हमने इस क्यू को निकालने के लिए डाले, असल में हम इंटरेस्टेड है कि नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट साइकिल में आपकी नेक्स्ट साइकिल की प्रेजेंट स्टेट क्या होगी, यानी हमारी जो नेक्स्ट स्टेट है, ठीक है। सो वो पता चलता है कि जे और के क्या इनपुट आ रही थी और इस वक्त क्यू क्या है। सो जे और के लिए मैं जे की एक्सप्रेशन लिखूंगा पहले, ठीक है। तो जे की एक्सप्रेशन क्या बनती है, एक और गेट लगा हुआ है, और गेट लगा हुआ है जिसकी एक इनपुट एक्स है और दूसरी जो है वो क्यू बार है। सो मेरे पास जे इज इक्वल टू एक्स प्लस क्यू बार, ठीक है। सो इसमें क्या मिसिंग है, y मिसिंग है, और ये क्योंकि पहले ही सम है तो मैं इसे प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में ला सकता हूँ, ठीक है। सो मैं इसको कह सकता हूँ कि मैं मिसिंग y बार मिसिंग था तो y इंटू y बार के साथ इसके साथ ऐड कर दूं, तो ये मेरे पास बन जाएगा x प्लस y प्लस q बार इंटू x प्लस y बार प्लस q बार, ठीक है। ये मैं y को पहले ले आया हूँ, एक्चुअली x प्लस क्यू बार प्लस y और x प्लस क्यू बार प्लस y बार, तो मैंने उनको थोड़ा आगे पीछे कर दिया ताकि मैं इसी तरतीब से आ जाऊँ यहाँ पर मैं। सो ये चीज समझ आ गई। सो ये मैक्स टर्म्स हैं। सो ये मेरे पास बन रही है m, ये मेरे पास बन रहा है 001, ठीक है। सो M1 इंटू m, ये मेरे पास 011 बन रहा है M3। सो इसका मतलब है 1 पे मुझे 0 चाहिए, 3 पर भी 0 चाहिए, ठीक है। सो मैं इस जगह पर J में कह सकता हूं कि 0 पर मुझे बाकी सारी जगहों पर 1 चाहिए, 0 पर भी 0 नहीं आएगा, 1 पर 0 आएगा, फिर 3 पर 0 आएगा और बाकी सारी जगहों पर 1 आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट सम में आ जाएगा पर 1 है सिवाय इन दो के, ठीक है, इन दो पे 0। हाँ, इसको सम ऑफ प्रोडक्ट से भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जाना था क्योंकि बहुत सारे 1 है ना, तो इसको पहले आप क्यू प्लस क्यू बार से मल्टीप्लाई करते, इसको एक्स प्लस एक्स बार से करते, फिर उसको वाई प्लस वाई बार से करते, इसको भी वाई प्लस वाई, तो वो लंबा हो जाना था, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम में लिख दिया। आखिरी चीज आपका रह गया के, ठीक है। के की क्या एक्सप्रेशन बनी, के की एक्सप्रेशन बनती है सीधा सीधा वाई, ठीक है। सो इसके लिए हमें सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जहां जहां पर वाई वन आ रहा है उस जगह पर के वन आ जाएगा, जहां पर वाई जीरो आ रहा है उस जगह पर के, क्योंकि ये किसी और पर डिपेंड ही नहीं करता। तो y मेरे पास आ रहा है 0011 और 0011, तो मैंने कर दिया 0011 और 0011, जो y था वही उठा के मैंने k के अंदर पेश कर, जो y आ रहा है उसी तरह। अब हम q बता सकते हैं कि क्या आएगा, क्योंकि अब हमें पता है कि हर केस में j क्या आ रहा है, k क्या आ रहा है, q क्या आ रहा है, उसकी बेस पे हम नेक्स्ट साइकिल का q बता सकते हैं। सो इस केस में q क्या आना चाहिए, j1 है k0 है, जे वन और के जीरो, तो क्या होता है, जे के फ्लिप फ्लॉप सेट होता है, रीसेट होता है, टॉगल होता है या सेम रहता है। जे वन ने जे वन और के जीरो हो तो सेट होता है, जे जीरो के वन हो तो रीसेट होता है, दोनों जीरो हो तो सेम रहता है जो पिछला था, दोनों वन हो तो टॉगल होता है, ये ध्यान में रखिए। 10 है तो इसका मतलब है ये सेट हो जाएगा, 00 है तो इसका मतलब है पुरानी वैल्यू होल्ड करेगा, पुरानी वैल्यू क्या है, ये Q की वैल्यू लिखी हुई है, पुरानी वैल्यू 1 थी, 1 ही रहेगा। सो ये हम ये कह रहे हैं कि अगर X 0 आए, Y 0 आए और Q इस वक्त 1 है, तो हमें पता है कि अच्छा फिर J K जो है ना वो दोनों 0-0 रह जाएंगे, तो Q क्योंकि 1 है तो अगले साइकिल में भी 1 ही रहेगा, ठीक है। इस केस में दोनों 1-1 आ रहे हैं, इसका मतलब टॉगल करेगा, टॉगल करेगा तो 0, ये लास्ट 0 था, इस दफा 1 हो जाएगा, 0-1 है तो रीसेट हो जाएगा, 1-0 है तो सेट हो जाएगा, 1-0 है तो सेट हो जाएगा, 1-1 है तो टॉगल करेगा, लास्ट 0 था तो 1 हो जाएगा, 1-1 है तो टॉगल करेगा, 1 था तो 0। ये आपने बना दिया, तो ये आपने सर्किट से मुझे स्टेट टेबल दे दिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सीक्वेंशियल सर्किट एनालिसिस, जिसको हमने वैसे इससे ज्यादा डिटेल में किया हुआ है, लेकिन जस्ट फॉर रिव्यू हमने इसको दोबारा कर दिया।
अगला क्वेश्चन था जिसमें आपने स्टेट डायग्राम गिवन है जिससे स्टेट टेबल में, चलो मैं उसको स्किप करके उससे आगे आ जाता हूँ, ठीक है। यहां पर भी मैंने किया ये है कि मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट है कि मैं एक क्वेश्चन दे दूं जिसमें प्रॉब्लम हो और मैं कहूंगा उसकी स्टेट डायग्राम भी बना दो, सर्किट भी बना दो, ठीक है। लेकिन मैंने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया है कि स्टेट डायग्राम वाला एक और क्वेश्चन दे दिया एक और, ताकि आपने अगर क्वेश्चन से स्टेट डायग्राम गलत बनाई है तो उससे अगला वाला पार्ट जो स्टेट पूरा सर्किट बनाना है वो वाला गलत ना हो, इसलिए मैंने इनको दो हिस्सों में तोड़ा हुआ, ठीक है। अदरवाइज मैं क्वेश्चन सिक्स का ही कह देता कि सर्किट भी बना दें तो मेरे लिए ज्यादा आसानी। सो क्वेश्चन सिक्स क्या है? क्वेश्चन सिक्स है बाइनरी सीक्वेंस रिकॉग्नाइजर। बिल्कुल आप समझे हलवा एक तरह से, क्योंकि जो आपने क्लास में हमने किया हुआ था सिर्फ उसका सीक्वेंस चेंज किया है, यानी बाइनरी सीक्वेंस रिकॉग्नाइजर हमने एक सीक्वेंस के लिए बनाया था। ये आपको कहा हुआ है कि 1010 अगर आए ना तब मुझे 1 चाहिए, ठीक है। सो हम इसका जल्दी से सर्किट बनाने की कोशिश करते हैं। सो पहली स्टेट हो गई 00, मतलब जिस पे कुछ भी अभी नहीं आया हुआ। सो सीक्वेंस रिकॉग्नाइजर याद है ना कि 0101 इस तरह आ रहे हैं, लेकिन जब 1010 आएगा आपको तब भी 1 चाहिए। और कहा हुआ है सिर्फ स्टेट डायग्राम देनी है और कुछ नहीं करना इस वाले क्वेश्चन। सो अगर 0 आया तो मुझे अगली स्टेट में जाना चाहिए या इधर ही रहना चाहिए? इधर ही रहना चाहिए, क्योंकि 0 में तो हम सीक्वेंस में आगे कुछ नहीं बढ़े, आउटपुट 0। 1 आए तो क्या करना चाहिए? एक और स्टेट बना देनी चाहिए जिसमें ये याद रखा हो कि एक 1 आ चुका है, ठीक है। सो हम बेसिकली स्टेट्स को कैसे यूज कर रहे हैं, सीक्वेंस में जितना आगे जा रहे हैं हर स्टेट ये बता रही है कि हम किधर पहुंचे। ये स्टेट बता रही है कि हम कहीं पर भी नहीं पहुंचे, ये बता रही है कि पहला डिजिट सही आ गया है, ठीक है। अब इससे आगे जाएंगे अगर 2 डिजिट सही आ गए, उससे आगे जाएंगे अगर 3 डिजिट सही आ गए, इसके ऊपर अगर एक 1 आ चुका था और तब 0 आ जाए तो क्या मतलब है? अगर 1 के बाद एक और 0 आ गया है तो हमें नेक्स्ट स्टेट पे जाना चाहिए, वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है 2 डिजिट सही आ गए। सो इसका मतलब है कि 0 पर हम एक और स्टेट पे चले जाएंगे। हर स्टेट पे आपने सारे एक कॉम्बिनेशन इनपुट के पूरे करने। इस केस में एक ही इनपुट है तो हम 0 और 1 दोनों को देखेंगे। 0 पर आगे चले गए, अगर 1 के ऊपर 1 आ जाए फिर क्या मतलब है? 1 के ऊपर 1 आ जाए तो इसका मतलब है कि सीक्वेंस तो खराब हो गया, लेकिन ये जो 1 आया है ये अगली सीक्वेंस का पहला 1 भी तो हो सकता है ना, यानी इसके बाद हो सकता है 010 आ जाए, ठीक है। तो ये स्टेट बता रही थी कि कुछ नहीं आया हुआ, ये बता रही थी कि एक 1 आया हुआ है, ये बता रही थी कि 10 आ चुका है। तो हमें कहां पर जाना चाहिए? हमें इसी स्टेट पर रहना चाहिए, क्योंकि ये स्टेट बता रही है कि एक 1 आया हुआ है, ठीक है। सो अगर 1 आ गया है तो इसका मतलब है कि ठीक है सीक्वेंस तो खराब हुआ, मगर बिल्कुल 0 नहीं हो गया सीक्वेंस। यहां से पीछे इसलिए नहीं गए क्योंकि अगर 1 के ऊपर 1 आ गया तो इसका मतलब है सीक्वेंस तो खराब हुआ है, लेकिन ये 1 अगले सीक्वेंस का पहला 1 भी तो हो सकता था ना। सो इसका मतलब है एक 1 आया हुआ है अभी भी हमारे पास, ठीक है। सो एक 1 वाली स्टेट तो यही है, तो हम इधर ही रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर इधर आ गए, अब इसमें 1 भी कवर कर दिया 0 भी कवर कर दिया, अगर हम इधर पहुंच गए यानी कि आपके पास एक 1 आ चुका है उसके बाद एक 0 भी आ चुका है, एक 10 के बाद अगर 0 आ गया तो क्या हुआ? सो आप किधर जाना चाहिए? बिल्कुल शुरू से सर्च करना, तबाही फिर गई है, ठीक है, सीक्वेंस की तबाही फिर गई है। 100 हो गया, शुरू से हमने दोबारा सर्च करना है, क्योंकि आप कोई भी मतलब दोबारा 1010 आया तब भी सीक्वेंस बनेगा, ठीक है, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो तबाही फिर जाए तो इसका मतलब है दोबारा शुरू से ढूंढना शुरू कर, ठीक है। सो अब 0 आ गया है तो इधर चले, 1 आ गया अगर इधर, अगर 1 ये कौन सी स्टेट है कि 10 आ चुका है इसके बाद 1 आ गया, तो इसका मतलब है सीक्वेंस में हम एक और आगे चले गए। सो 1 आया तो हम एक और आगे चले गए, ठीक है। सो अब आपका 101 पूरा हो गया। सो इसमें हमने 0 भी कवर कर लिया, 1 भी कवर कर लिया। 101 के बाद 101 के बाद 0 भी आ सकता है और 101 के बाद 1 भी आ सकता है। सो लेट्स से 101 के बाद 1 आ गया, आप क्या करें? 101 का मतलब है कि तबाही तो फिर गई है, लेकिन बिल्कुल तबाही नहीं फिरी, क्योंकि हो सकता है ये 1 अगले सीक्वेंस का पहला 1 हो, ठीक है। सो इसका मतलब है मुझे सेकंड स्टेट में आ जाना चाहिए, ठीक है। सो 1 और 101 के बाद अगर 0 आ गया आप कहां जाए? जी अगर 1010 के बाद दोबारा 10 आया तो हमें इधर भी 1 चाहिए और इधर भी 1 चाहिए, क्योंकि ये भी 1010 है और ये भी 1010 है, ठीक है। तो किधर जाना चाहिए?
ये स्टेट है कि कुछ भी नहीं आया हुआ, ये कह रही है वन आया हुआ, ये कह रही है जीरो आया हुआ, वन जीरो आ चुका है, ये कह रही है 101 आ चुका है, तो किधर जाना चाहिए? इस वाली पे, इससे पीछे वाली पे चले जाएंगे, ठीक है। सो अगर 101 के बाद दोबारा जीरो आ गया तो इसका मतलब एक दफा तो सीक्वेंस पूरा हो गया, ठीक है, आउटपुट इसके इसमें 1 कर देंगे, लेकिन साथ हो सकता है कि ये 10 जो है ये अगले सीक्वेंस के पहले 10 के बराबर हो, और दोबारा 10 आए तो फिर आपको 1 चाहिए, ठीक है। तो आप इसलिए बिल्कुल जीरो पर नहीं गए, बल्कि हम आपने कहा कि हो सकता है कि इसके बाद दोबारा 1 आ जाए और दोबारा 0 आ जाए, ठीक है, फिर दोबारा 1 आए, फिर दोबारा 0 आए, तो आपने हर जगह पर, यानी कि अगर 10 आना शुरू हो जाए आपके पास, तो ये भी 10 है, इधर भी आपको 1 चाहिए, फिर ये भी 10 है, इधर भी 1 चाहिए, फिर अगर दोबारा 1 आया तो यहां पर भी 1 चाहिए, हर 2 के बाद 1 चाहिए, तो फिर वो इसी में घूमता रहेगा, 10 हर दफा 1 आउटपुट आती रहेगी हर दूसरी दफा में, ठीक। तो यहां तक चीज समझ आ गई? ओके जी, क्या मतलब ये कितने लगाते हैं? ये अब प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है ना। अब यहां पर हमारा सीक्वेंस खत्म हो गया था तो हमें किसी और स्टेट की जरूरत नहीं थी। अगर हमारा सीक्वेंस एक और बिट का भी होता तो हमें एक और स्टेट चाहिए होती, ठीक है। ये जिस तरह कोक वाली बना रहे थे, जिस तरह अभी आपने क्विज दिया है, ठीक है। सो अब वो जब तक आपके वो केसेस आ सकते हैं, जिस तरह 5 रुपए आए एक केस हो गया, 10 रुपए का एक और केस हो गया, 15 का एक और केस हो गया, 20 हुए तो आपने कोक दे देनी है, 20 के लिए अलग केस बनाने की जरूरत नहीं, 20 पे कोक देके आप वापस आ जाए, ठीक है। सो 3 स्टेट्स आपके लिए प्रॉब्ली काफी थी, ठीक है। 25 आ जाए तो फिर तो केक दे, वो कोक दे के 5 पे आ जाएंगे ना। तो ओके, सो यहां तक चीज क्लियर होगी। एक सवाल हमारा रह गया था, हम थोड़ा सा 5 मिनट ऊपर चले गए, लेकिन ये जो आखिरी था इसमें आपको स्टेट डायग्राम दी हुई है और इससे सर्किट बनाना था। तो इस केस में आपको पहले इससे स्टेट टेबल बनाना पड़ेगा। इस केस में आपकी 3 स्टेट्स गिवन है, 00 01 10, ठीक है। तो ये आप पुराने लेक्चर्स में से देख लेना कि स्टेट डायग्राम से टेबल कैसे बनता है और सर्किट कैसे बनता है। लेकिन अगर 3 केसेस हो तो इसका मतलब है बाकी जो चौथा वाला केस है 1 1 वाला, वो डोंट केयर है, ठीक है। सो आप स्टेट टेबल में जो इसके अलावा एंट्रीज बच जाएंगी उनको डोंट केयर रिज्यूम करेंगे। तो स्टेट टेबल जब बन जाएगा तो हर बिट के लिए आप अलग से सर्किट बनाएंगे, ठीक है। अगर इसमें स्टेट की 2 बिट्स हैं तो आपके 2 डी फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे, ठीक है। उनकी आउटपुट होगी प्रेजेंट स्टेट, उनकी इनपुट होगी नेक्स्ट स्टेट, और एक आपकी आउटपुट आ रही है इस केस में। सो आउटपुट के लिए अलग सर्किट बनेगा, इन दोनों नेक्स्ट स्टेट्स के लिए अलग अलग सर्किट बनेगा, और वो सर्किट आप बना देंगे तो काम आपको, ठीक है। यहां पर हम अब रुकते हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, ठीक है।